हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। दोस्तों, आप सभी के लिए हम अभी समान अध्ययन एसपीडी के बुक से जो एग्ज़ाम जो आपका फाइनल रिवीजन के लिए बुक है एसपीडी का, वो हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें कि पार्ट फोर तक आपका हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कंप्लीट हो चुका है। तो आज के सीरीज़ में हम करेंगे, वो हमारा होगा साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर से संबंधित। साथ में इसको हम खुद देखते हैं कि कहाँ तक हमसे कंप्लीट हो पाता है। कोशिश करेंगे कि हम इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करवा दें, इस पूरे बुक को। उसके बाद नेक्स्ट एक पार्ट और आएगा, जिसमें कि आपको हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, बीएसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका बिहार दरोगा वगैरह, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी अगर करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके पीटी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, पीटी एग्ज़ाम अगर आप रिवीजन करके इस बुक को जाते हैं तो 100% पीटी एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्वालिफाई होगा, ठीक है। जिसमें कि आपका हम बता दें, इसमें 6500 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। इसे हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, देख लीजिए। हर एक जैसे ही आपका टॉपिक समाप्त होता है और उसका टेस्ट पेपर दे दिया गया है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। तो इसे हम टेस्ट पेपर को तो हम देखेंगे, एक वीडियो में सारा को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, पीडीएफ के लिए आप सभी कॉमेंट कर रहे थे, दोस्तों मैं पीडीएफ इसका ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन लोगों को नहीं मिलता है, मैं लास्ट में स्टेप बता दूंगी कि कैसे ढूंढना है, आप लोग जाके टेलीग्राम पर उसे ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। तो मैं लास्ट में उस वीडियो को भी कवर कर दूंगी, इसमें थोड़ा सा क्लिप, ठीक है। तो आज हम यहाँ से 112 से 117 से देखेंगे। आप सभी को पता है कि 116 नंबर पेज तक जो आपका था पॉलिटी, वो मैंने समाप्त कराया था 115 तक, ठीक है। और 116 में आपका क्या है, टेस्ट पेपर है, और 117 आज हम देखेंगे। तो आज आपका सामान्य विज्ञान स्टार्ट हो रहा है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहला देखिए, पहला दिया है कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है। जीव और जंतु विज्ञान के जनक दोस्तों अरस्तु को माना गया है, ठीक है। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो लैमार्क किए थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और साथ में ही ट्रेविडियनर्स, क्या नाम है इनका, ट्रेविडियनर्स जो जर्मनी के थे, इन्होंने भी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो लैमार्क और ट्रेविडियनर्स दोनों का नाम याद रखिएगा। अगला आता है आपका कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने की कोशिश किए थे। चिकित्सा शास्त्र के जनक, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेटस। उसके बाद आता है आपका रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर हैं। रसायन विज्ञान का जनक कौन है, लेबोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जो मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगला है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम ने दिया था। गैसों का जो विसरण का नियम है, उसे किसने प्रतिपादक किया था, ग्राहम ने। नेक्स्ट है ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम किसने, केपलर ने। आइंस्टाइन की एक फॉर्मूला है E=mc², E=mc² का समीकरण जो है वो किसने दिया था, आइंस्टीन ने। सभी लोग जानते होंगे जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था, तो जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने किया था। जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है, न्यूटन है। प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, डार्विन है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिया था हुगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने दिया, हुगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स डार्विन। अगला है अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। मेंडल जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस पौधे का प्रयोग किए थे, मटर के पौधे का। और ये भी प्रश्न काफी बार आ चुका है एग्जाम में।
अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स किसने कहा था? डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था कि अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम का अनुवांशिकी जो है किसका उत्परिवर्तन होता है? क्रोमोसोम का उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट शब्द है आपका जीन। जीन शब्द आपने सुना होगा, ये जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो जोहानसन ने किया था, इनके नाम से ही इसका नाम है जोहानसन जीन। जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो जीन जो है वो हमारे गुणसूत्र में होता है, जिसमें कि एक्स वाई मेल का होता है और एक्स एक्स फीमेल का होता है। पता है आप सभी को कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 होते हैं, पेयर में बात करें तो 23 होता है। वैसे हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ों को, बस अभी हम बता दिए। उसके बाद है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया वीडल एवं टैटम ने। एक जीन एवं एक एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे वीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? खून का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा। क्या होता है हीमोग्लोबिन में? आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है? प्रोटीन का है। और खून थक्का जब नहीं जमता है तो उसे हीमोफेलिया रोग कहते हैं। जब ब्लड जो है अगर कहीं कट उट जाए, अगर ब्लड क्या होता है कंटिन्यू बहते रहता है, उसे रोक ब्लड रुकना बंद नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? हीमोफेलिया रोग कहते हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हीपेरिन नामक प्रोटीन। अगर हमारे शरीर में हीपेरिन नामक प्रोटीन की कमी होती है तो ब्लड क्या होता है? जमना जमेगा ही नहीं। तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हीपेपरिन, मतलब जमने लगेगा। उसके बाद है हीपेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है हमारे लीवर से, यानी यकृत से हीपेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स होता है। और प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है वो प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स कब समाप्त होता है? कहाँ समाप्त होता है? प्लीहा में जाके। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के हेल्प करता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। रुधिर का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। उसके बाद है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। और रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा में अगर जल का प्रतिशत पूछे तो 90% होता है, और रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है रक्त में। नेक्स्ट है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा होती है। ब्लड बैंक प्लीहा होता है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, ब्लड ब्लैंक कहलाता है। आरबीसी कब्रगाह यानी शमशान है प्लीहा का। आरबीसी का कब्रगाह कौन है? प्लीहा है। और ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फॉरेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप जो होते हैं, एक ए होता है, दूसरा ए बी होता है, तीसरा ए बी हो सॉरी पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा ए बी होता है, और चौथा ओ होता है। तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, AB, AB, O। रक्त समूह का खोज लैंड एस्टिनर ने किया था। रक्त समूह का खोज किसने? लैंड एस्टिनर ने किया था। और सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है, और सर्वग्राही जो सबका ब्लड ले सकता है वो ए बी होता है। ठीक है, आर एच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? ब्लड से संबंधित है। और आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैड एस्टिनर एवं बीनर है, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, वृक्क। रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी। और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त का शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। यूरिन का निर्माण कहाँ से होता है? ब्रिक में होता है, जिसको किडनी कहते हैं। और किडनी का वजन जो होता है वो 150 ग्राम होता है। कितना? 115।
मानव में गुदे में बनने वाली पथरी होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। मानव के जो किडनी में स्टोन हो जाता है, पत्थर जिसको बोलते हैं, वो जो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड हमारा क्षारीय होता है, दैट मीन्स हल्का हल्का नमकीन होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फेग्नोमैग्नोमीटर है, रक्त दाब को मापने वाला। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है सिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाती है कौन, सिरा। हृदय से जो शरीर की ओर रक्त को ले जाती है वो धमनी होती है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है हम सभी को, तो इसे हम सही से क्लियर करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा शरीर है, ठीक है, ये हमारा शरीर है, यहाँ से हमारे हार्ट की ओर ले जाता है, शरीर से हृदय की ओर सिरा ले जाता है। देखिए, शरीर से शरीर है आपका और सौ से सिरा है, तो सौ से ही याद रखिए, सिरा क्या करेगा, शरीर से हार्ट की ओर ले जाएगा, ठीक है। धमनी की बात करें, धमनी क्या करेगा, इसका अपोजिट काम करेगा, वो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी है। तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। सिरा क्या करेगा, तो सिरा जो है वो शरीर से रक्त हृदय की ओर ले जाएगा और धमनी हृदय से शरीर की ओर। अब आता है आपका हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है, पेसमेकर हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है। और जराविक सेवन क्या है, तो जराविक सेवन जो है वो कृत्रिम हार्ट है। कृत्रिम हार्ट का नाम है जराविक सेवन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है, शरीर में रक्त का परिवहन। पित्त क्या होता है, तो पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, पित्त। उसके बाद है बाइल, जिसको बोलते हैं, पित्त को ही वाइल कहते हैं, कहीं कहीं आपको इंग्लिश वर्ड ही मिल जाएगा वाइल। तो वाइल का पीएच मान 7.7 होता है, वाइल का पीएच मान 7.7 होता है, और ये स्रावित होता है हमारे यकृत के द्वारा, वाइल स्रावित होता है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो हमारे लीवर में जो भविष्य के लिए भंडारित विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है, जो हमारे लीवर में भंडारित होता है। बाइल जमा होता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होगा, पित्ताशय में जमा होगा। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है, जिसमें पानी से डर लगता है। हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग क्या है, एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु यानी वायरस का खोज किसने किया था, इवानोस्की साइने ने विषाणु एंड वायरस का खोज किया था, इवानोस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा, रानीखेत बीमारी फैलती है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। जंतु में होने वाला फूड एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब आता है जीवाणु। जीवाणुओं का खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया यानी जीवाणु का खोज किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पे होगा, ठोस में होगा। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किस में होगा, ठोस में होगा। और ध्वनि की गति धीमी किस में होगी, हवा में। ध्वनि की गति धीमी किस में होगी, हवा में होगी। उसके बाद है ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा, ध्वनि की चाल होती है 760। ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल भी बढ़ता है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में बिलियन वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, हवा में ध्वनि का वेग होता है। अगला है ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। और नेक्स्ट है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर या 9.6 × 10^15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 इंटू 10 टू द पावर 12 या फिर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। आगे देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। देखिए दूरी मापने की इकाई तो सबसे बड़ी अगर पूछे तो पारसेक है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। अगला है कि जड़ों के रूपांतरण कौन होती है, मूली और गाजर जड़ों के रूपांतरण है, मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है, आलू और प्याज तने के रूपांतरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि किस में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। और मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी को, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई पिट्यूटरी होती है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है कौन सी, पिट्यूटरी, और इसे ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं, एक तो वर्णधत्ता है और दूसरा हीमोफीलिया। ये दोनों क्या है, जेनेटिक डिजीज है, वर्णधत्ता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधत्ता का वर्णन किया था हेरनर ने 1876 में। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधत्ता का वर्णन किया था हेरनर ने। एक वर्णधत्ता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। वो हरा को लाल और लाल को हरा में बड़ी कन्फ्यूजन उनको, मतलब उनको सही से पता नहीं चलता है एग्जैक्ट कलर। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, थायरोक्सिन थायराइड। जठर रस होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, प्रोटीन का पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है, छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है, टाइलिन। टीविया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, टीविया टांग में। और मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो है हमारी उंगली, जहाँ पे हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम, भोजन पचाने में कौन सहायक होता है, एंजाइम होता है। और एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है, एंजाइम की रचना किससे होती है, एमिनो अम्ल से। एंजाइम क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में, एंजाइम क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज का होता है। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, जो हम 20 हम बाहर से लेते हैं और 20 हमारे शरीर में बनते हैं। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन, कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था उसमें कौन सी गैस की रिसाव हुई थी, मिथाल आइसोसाइनाइड का। जो भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में वो मिथाल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। काला हीरा और काला सीसा कहते हैं, कार्बोनाइड को काला हीरा और ग्रेफाइट को काला सीसा कहते हैं। काला हीरा तथा काला सीसा कार्बोनेडो और ग्रेफाइड है। जीवन रक्षक हार्मोन होता है एड्रिनल, जीवन रक्षक हार्मोन कौन होता है, एड्रिनल होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं, क्या कहते हैं, हरित लवक। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, पीला होता है। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषी कहलाती है, यानी फोटोसिंथेसिस कहलाता है, सभी जानते होंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, सबसे ज़्यादा होती है। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, जल से।
प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल प्रकाश संश्लेषक का प्रथम स्थिर यौगिक है। राइजोजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन होता है? तना होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है? तना। दलहन की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु क्या होते हैं? राइजोबियम जो होते हैं ये दलहन के लिए पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं, जो आप सभी को पता है कि इस पौधे में क्या होता है, नाइट्रोजन ग्रहण करने के लिए नाइट्रेट के रूप में होते हैं, और इसमें राइबोजियम, जिससे कि हमारा जो खेत होता है वो उपजाऊ हो जाता है अगर दलहन की खेती की जाती है तो। ठीक है, उसमें क्या है कि पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादप में जल और खनिज की संचालन कौन करता है? जाइलम करता है। और खाद्य पदार्थ का फ्लोएम करता है, फूड का फ्लोएम करता है। यह यंत्र जिसके द्वारा तने में वृद्धि दर नापी जाती है वो ऑक्सीजनोमीटर है। ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा पौधे के तने की वृद्धि को नापी जाती है। अगला है आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज डी डूबे ने 1958 में किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डूबे ने 1958 में। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोजोम को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोजोम को। अच्छा, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो है ये राइबोजोम में होता है। डीएनए का खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने, डीएनए का खोज किया था। और डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कर्नवर्ग ने, कर्नवर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। अगला है डीएनए और आरएनए क्या है? तो डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसको किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है एक्स वाई और एक्स एक्स, तो पुरुष में एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y, ठीक है, तो वो लड़का बनता है। और अगर बच्चों का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से XY द्वारा, किसके? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। बच्चों का जो लड़का होगा लड़की ये किससे होता है? पिता से निर्धारित होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। ये क्या होता है? पैतृक सत्ता को सिद्ध करता है। उसके बाद है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन का खोज किसने किया था? वेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। ब्रोंकाइटिस कैसी रोग है? श्वास नली की रोग है। पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम है। पेप्सिन का एक उदाहरण कौन सा है? एंजाइम है। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन एक जहरीली पदार्थ है। क्या है? टॉक्सिन एक जहरीली पदार्थ है। मलेरिया। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? मलेरिया रोग वाहक है प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनफ्लिज मच्छर, जो मलेरिया रोग का वाहक है। और मलेरिया रोग वाहक में प्रभावित अंग प्लीहा यानी तिल्ली होती है, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। मूत्र जो है वो अम्लीय है, इसका पीएच मान 6 होता है। और मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मेढक के हृदय होते हैं 3 भाग। मेढक के हृदय कितने चैम्बर होता है? 3 होता है। और मनुष्य के हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। और मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से लेकर 80%। मनुष्य के शरीर में क्या होता है? जल होता है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 फारेनहाइट होता है, या इसे आप लोग डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 310 केल्विन होता है। ठीक है, फारेनहाइट में 98.6, डिग्री में 37 डिग्री और केल्विन में 310 होता है मानव टेम्परेचर नॉर्मल।
आगे देखिए, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से जो जोड़ी निकल तंत्रिका निकलती है वो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है मनुष्य में मेरुदंड से। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का किस किसने किया था? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमोटीन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और जोड़ी में हम बात करें तो 23 होती हैं। पीछे भी इसे बता दिए हैं। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है किसकी? न्यूरॉन की। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो सूत्री पूछा पूछा जाए कि समसूत्री तो वो कायिक और अर्धसूत्री तो लिंगी जनन। अगला है स्तंभ कंद, धन धन कंद, स्लग कंद और प्रकंद का उदाहरण है। तो स्तंभ कंद का उदाहरण आलू या फिर बांडा केसर है। धन कंद का उदाहरण प्याज, अदरक व हल्दी है। ये सभी आपका इस सभी का उदाहरण है। अगला आता है अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? फल भित्ति होता है। इस सभी का हम लोग फल भित्ति खाते हैं। आम, पपीता, बेर को खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। आम, पपीता और बेर, इसको हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं। फूल गोभी का हम लोग पुष्पक्रम खाते हैं। पुष्पक्रम हम लोग फूल गोभी का खाते हैं। हल्दी में पीला रंग जो होता है वो कुरकुमिन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। अदरक हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं। दूध में पाए जाने वाली संकरा कौन सी है? लैक्टोज है दूध में पाए जाने वाली संकरा। सबसे लंबा कृमि यानी वर्म जो है वो टेप वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। दूध से क्रीम अगर निकाल लिया जाए तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वॉट के। और जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा। ये मूल रंग कहलाता है। मूल रंग नीला, लाल, हरा कहलाता है। इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो किन किन क्रियाओं से होता है? तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विच्छेवन। पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विच्छेपन, इस तीनों के कारण जो है इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया होती है। इंद्रधनुष में रंग टोटल 7 होते हैं और उसके बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष का टोटल रंग 7 होता है, बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का तरंग निश्चित होता है। तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग क्या होता है? निश्चित होता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक गामा किरण की होती है। वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा किरण की। पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था? रीटर ने पराबैंगनी खोज का किरण खोज किया था। अगला है प्रश्न कि सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होगा और सबसे कम बैंगनी का होगा। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आता है। और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 3800 एंगस्ट्रम के बीच प्रकाश तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी फ्रेंड्स? तो निर्वात में होगी। और प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था।
निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^6 मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जो है कलर वो नीला दिखता है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं और इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रावर्तन, सॉरी प्रावर्तन क्या क्या था आपका इंद्रधनुष का बनना, तो देख लीजिए इंद्रधनुष का बनना जो था वो क्या क्या था, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, प्रावर्तन सॉरी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, दोनों का औ से ही नाम है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, ठीक है। उसके बाद देखिए रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब प्रकाश का सबसे अच्छा प्रावर्तक किसे माना जाता है, तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। किसको, समतल दर्पण को। अगला है कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। कैसा, अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टीन सीसा का। विद्युत फ्यूज जो होता है किसका मिश्रण होता है, तांबा का टीन का और सीसा का। हीटर तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन होता है। विद्युत गैस में जो भरा होता है गैस वो नाइट्रोजन होता है। ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प व आर्गन होता है। ट्यूबलाइट में क्या होता है, पारे का वाष्प और आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण होता है सीसा और टीन का। फ्यूज का तार मिश्रण होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। तेल दीप में बत्ती तेल से ऊपर उठ जाता है। हीरा का चमकना मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन है। हीरा का चमकना मृग मरीचिका बनने का कारण सब क्या है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन है। उसके बाद है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 3600 किलोमीटर होती है। भू स्थिर की ऊंचाई। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है, नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित होती है। मानव नेत्र का जो कार्य होता है वो उत्तल लेंस पर होता है। किस पे, उत्तल लेंस पर कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष को भी मायोपिया कहते हैं, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। अब है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष जो है इसे हाइपरमेट्रोफोबिया कहते हैं। ये दूर 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 के लिए होता है और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। और ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दाढ़ी बनाने आंख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अब आते हैं अगले पे। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है, न्यूट्रॉन होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु आपका पारा है।
द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु पूछे तो वो ब्रोमीन है, जो द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। धातु पारा और अधातु ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। विद्युत धारा को किसे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं। अदिश राशि, अदिश राशि कौन कौन सी है? अदिश राशि कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। अदिश जिसमें दिशा ना हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम हो, परिमाण हो। असदिश राशि जिसमें दिशा हो और परिणाम भी हो, उसे कहते हैं सदिश राशि। जैसे त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सभी आपका सदिश राशियों का उदाहरण है। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग कौन है? परमाणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन है? अणु है। परमाणु के तीन मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु के तीन मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉम्सन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। देखिए नीचे दिया है, प्रोटीन का खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉम्सन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। तो पहले ऋण, फिर धन, फिर आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे इसको कंटिन्यू याद रखिए। पॉजिट्रॉन का खोज एडर्सन ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एडर्सन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जो त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं और ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको अवकरण कहते हैं। अगला है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के गुना का भार कितना होता है? 1840। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होता है एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन जो होता है वो किस पे होता है? एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक का खोज किसने? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में होते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी बार आता है एग्जाम में। एक तत्व के परमाणु में प्रोटीन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको समभारिक कहते हैं। समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था किसने? मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं वर्ग और आवर्त। उसके बाद आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है और तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डावेर्नियर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने? डावेर्नियर ने किया था। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की कुल संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 थी और आवर्त की संख्या 7। अगला है आपका, नन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। नन स्टिक जो काला काला बर्तन होता है हमारे घर में, जिस जो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है नन स्टिक, वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड का। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण होता है। और आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रासियम यानी की उपस्थिति के कारण। पटाखे की जब आतिशबाजी होती है उसमें चटक का रंग लाल होता है स्ट्रासियम के कारण। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। मार्स गैस कौन है? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। नोबेल गैस हीलियम को कहते हैं। नोबेल गैस हीलियम को। सर्वाधिक हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। सर्वाधिक हल्की गैस। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ओशियम है।
तो सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु होशियम है। सबसे हल्की गैस तत्व में देखें तो वो हाइड्रोजन है और नोबल गैस हीलियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। और सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सर्वाधिक प्रत्यावस्था धातु होता है, स्टील का सर्वाधिक प्रत्यावस्था धातु होता है कौन? स्टील। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस होते हैं, कोलोरो एसिटोफिनोन को कोलोरो अश्रु गैस कहते हैं। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, हंसाने वाली लाफिंग गैस। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना, ये जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर कौन करता है? तो जल में जो सोडियम कार्बोनेट से मिलाकर क्या करते हैं, उसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। अस्थायी या अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप जो होता है वो वर्षा का जल कैसा होता है? शुद्ध जल होता है। D2O का अनुभार यानी कि भारी जल जो होता है उसमें अनुभार कितने होते हैं? 20 होते हैं। भारी जल का खोज 1932 में यूरे तथा वासवर्ण ने किया था भारी जल का खोज, और इसका रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को, कृत्रिम वर्षा के रूप में उपयोग किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है जो सबसे अच्छा माना जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे न्यूनतम होती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक किस में होगा? पालक के पत्तों में आयरन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, वैसे तो हरी सब्जियों में भी होती है। लोहे का जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत जिसको गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं उसे चढ़ाया जाता है ताकि क्या हो कि उसे जंग से बचा जा सके। विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। विद्युत तथा उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्धतम सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। और 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना 75% होता है। बेवकूफों का सोना पायराइट्स को कहते हैं, आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं। लोहा निकेल एवं क्रोमियम धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर यानी टांग का मिश्रण होता है सीसा और टीन का। क्वाटराइज होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर, क्वाटराइज बनता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। कौन सा? एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला होता है। कांसा मिश्र धातु तांबे व टीन के बने होते हैं, कांसा मिश्र धातु। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाया जाता है ताकि लोहे को इस्पात में बदला जा सके। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। फ्लिंट कांच का कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेवार है, पारा का प्रमुख अयस्क। कैल्शियम पोटेशियम कैडमियम का अयस्क है डोलामाइट नाइटर और ग्रीनोकाइट। ये सभी जो है आपका कैल्शियम का डोलामाइट पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट अयस्क है। बर्फ का द्रव्यमानांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं। LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कोप्टेन को, LPG गंध में गंध के लिए मिलाया जाता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10³। 1 मोल बराबर होता है और 1 मोल बराबर ही एक एवोगाड्रो संख्या होता है, दोनों सेम ही है, देख सकते हैं 6.023 × 10³। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है और अपवर्तनांक 2.414 होता है।
रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। कैडमियम एवं बोरॉन के छड़ का रिएक्टर के नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। अर्धचालक उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का अर्धचालक उदाहरण है। और अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप का प्रभाव ये पड़ता है कि ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर घटती है। तो अगर ताप बढ़ेगा तो चालकता भी बढ़ेगी और घटेगा तो घटेगी। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। अतिचालक की प्रतिरोधकता कैसी होती है? शून्य होती है। वाटर सोडा विलयन है गैस द्रव का। वाटर सोडा विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचारण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचारण होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड के बराबर। कान में ध्वनि का साउंड रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 17 मीटर की होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण और अनुधरण तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग है। अनुधरण तरंग का उदाहरण अगला है ध्वनि तरंग जो है वो गमन करती है लंबत। ध्वनि तरंग लंबत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रास्रव्य तरंग को। मनुष्य नहीं सुन सकता है। और सेकेंडली लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड का। सेकेंडली लोलक का आवर्तकाल होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, तभी मनुष्य स्पष्ट देख पाएगा। समान आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत। समान आँख के लिए दूर बिंदु क्या है? अनंत है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। किसका? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो व्हाइट व्हाइट होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित है फ्रेनोलॉजी से। मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी से संबंधित है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है कि वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार अधिकतम होता है कृत्रिम सिल्क रेयन होता है। कृत्रिम सिल्क रेयन आम का वैज्ञानिक नाम मैजीफेरा इंडिका है। रेजिफ्रेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेजिफ्रेटर में जल को ठंडा करने के लिए। और रेजिफ्रेटर का आविष्कारक है जेम्स हैरिसन। क्या है? जेम्स हैरिसन। रेजिफ्रेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। क्या करता है? टेम्परेचर को एक समान बनाए रखता है। कमरे में रखे रेजिफ्रेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा और कमरा गर्म हो जाएगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन में को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? मीथेन है। और बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक भी मीथेन ही है। बायोगैस का सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। और परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में जो होता है वो ब्यूटेन और प्रोपोन होता है। ये दोनों संघटक मिलके जो है द्रवित पेट्रोल का निर्माण करते हैं। वॉयल नियम लागू किस पे होता है? नियत तापमान पे वॉयल नियम लागू होता है। और NTP यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। NTP यानी किसी गैस के 1 मोल आयतन पर 22.4 लीटर होता है आयतन। सीक्रेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। सीक्रेट लाइटर से क्या निकलती है? ब्यूटेन गैस निकलती है। और अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2 जो है अम्ल वर्षा का कारण है। SO2 और NO2। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOC12 होता है उसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। मानव का संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। मानव के द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा रेयन कहलाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा रेयन कहलाता है। और जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है।
अगला है आपका कि पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होती है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावी क्या होती है? फ्लोरीन। शहद मुख्य घटक है फ्रुक्टोज का। शहद मुख्य घटक किसका है? फ्रुक्टोज का है। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजेन में। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजेन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। अगला है आपका कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बेंजोइक अम्ल डाल के उसमें बचाया जाता है। सत्य फल उत्पन्न कहाँ से होता है? केवल अंडाशय से सत्य फल उत्पन्न होता है, और असत्य फसल फल जो है वो असत्य फल जो उत्पन्न होता है वो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से होता है, यानी कि पुष्पाशय वाहिदल के द्वारा असत्य फल उत्पन्न होता है। पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? फूल। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। जल में विलेय विटामिन है बी और सी। जल में विलेय विटामिन कौन सी होगी? बी और सी जो होगी जल में विलेय होगी। और वसा में घुलनशील ए डी ई के होगा। ए देखिए बी और सी को सभी विटामिन जो है ना वो वसा में घुलनशील है, इसे याद रखिएगा, ठीक है? ए बी और सी को छोड़ के, क्योंकि बी और सी जो है वो विलेय है किसमें? जल में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर को कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क जो है वो अल्जाइमर शरीर को प्रभावित करता है, अल्जाइमर। और 21 सितंबर को अल्जाइमर रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध का पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान सेरिब्रम में होता है। सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए। गन पाउडर मिश्रण किसका है? सल्फर चारकोल एवं सोरा का गन पाउडर मिश्रण है। उसके बाद है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण, जो है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों से क्या होता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण, कुपोषण होता है। कुपोषण क्यों होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। क्वासियोरकर और मारासमस की बीमारी जो होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। क्वासियोरकर एवं मारामस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरोक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो होता है वो किसे? थायरोक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो मनुष्य में बुढ़ापा जो होता है वो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है सेलुलोज। आरएनए का प्रमुख घटक कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम से होता है। और प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है, जिसको कि प्रयोगशाला में बनाया गया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया वोहलर ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। यूरिया में उर्वरक नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CO(N12)। ये जो NH2 है, सॉरी NH2 है ना, NH12CONH जो है 2, ये आपका क्या है? यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला है NI। सॉरी देख एक मिनट, मुझे कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे। एच ही तो है, हाँ एच ही है, ठीक है, मिटा हुआ है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? यूरिन में। यूरिया यूरिन में अधिकतम जो है यूरिया की मात्रा होती है, यानी मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है? यकृत से बनता है। और मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध का पाश्चीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पाश्चीकृत किया जाता है।
उसके बाद है दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है दूध का पीएच मान। और दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है हमारे शरीर में, रेनिन, जो दूध को पचाता है। बहुत लोग अगर दूध पीते हैं तो उन्हें लूज मोशन वगैरह, यानी कि दूध उन्हें नहीं पच पाता, वो इसी रेनिन के कारण। तो दूध की शुद्धता पाई जाती, दूध की जो शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर से मापते हैं। और BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध खट्टा किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। पेंसिलिन क्या है, तो एक एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाइयाँ एनाल्जेसिक जेसिक है। एनाल्जेसिक जो है एक दर्द निवारक दवाई है, एनाल्जेसिक। उसके बाद दूध में पाई जाती है कौन सी संकरा, लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली संकरा है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में, अंडाणु का निषेचन होता है। और द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है, पारा है। एंटीबायोटिक एप्सिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से, किससे, बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक एप्सिलिन जो है वो प्राप्त होता है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है, हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो कागज़ के पुराने उंगलियों को अगर चिन्ह को विकसित किया जाए जा सकता है तो वो है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से किया जा सकता है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। और पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सेलोफोन जो होता है वो ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। पैक करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन होती है वो ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। जो ऊपर मतलब नीचे से अगर ऊपर की ओर कोई जाता है तो व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है, तो फैट के साथ तैयार करके इसको उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ, वसा के साथ। उसके बाद है सयानता की इकाई क्या है, तो सयानता की ऐसा इकाई पॉइज है। क्या है, पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो अल्कोहल का प्रयोग 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप मापने के लिए किया जाता है। अगला है किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यावस्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है, ध्वनि की चाल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकृति क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। उसके बाद है कोवाल्ट गैस का प्रकृति उदासीन होता है, कोवाल्ट का उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है, कितनी, 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फॉस्फोरस का, जो माचिस की जो तीली होती है यहाँ पे इसमें जो रेड कलर लगा होता है वो लाल फॉस्फोरस होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण यानी DDT, विरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो कहते भी हैं कि DDT का छिड़काव करवा दो जिससे कि मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह कम आएंगे। साबुन बनाने की प्रक्रिया सेपोनिफिकेशन कहलाता है, साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे सेपोनिफिकेशन कहते हैं। श्वसन क्रिया का निर्माण ऊर्जा का होता है, श्वसन क्रिया में निर्माण किसका, ऊर्जा का होता है। और श्वसन में संकरा होता है ऑक्सीकरण द्वारा, श्वसन में संकरा का होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन जो है वो अम्लीय माध्यम से होता है, अमाशय में भोजन का पाचन। उसके बाद अगर हम बात करें हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हार्मोन, क्या करता है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला है प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है, प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन क्या है, मेरुदंड है। और ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न है
कि सोने का घोल घोला सोना सोने का घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। सोने को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोले जा सकते हैं। अगला है कार्क प्राप्त होता है क्वैक्स यानी ओक के पेड़ से कार्क प्राप्त होता है। कुनेन प्राप्त होता है सुनकोना के छाल से कुनेन प्राप्त होता है। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत जो है वो अफीम है। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। और चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? थीन होता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है और दूध में केसिन होता है। कौन दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम केसिन है। तंबाकू में विषैले पदार्थ निकोटीन होता है। और तंबाकू संस्थान कहाँ पे है? राजमुंडी है, याद होगा आप सभी को। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। चांदी की चमक को कौन काला करता है? ओजोन करता है। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु क्रमशः 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री होता है। टंगस्टन और हीरा का गलनांक बिंदु। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी होता है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? कैलोरी होती है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइटस है। क्या है? ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स है। क्या है? जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या है? लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोप्रोफिल कहते हैं। क्रोप्रोफिल कहते हैं जो गोबर पर कवक उगता है वाइट वाइट मशरूम की तरह निकल जाता है, इस तरीके के छत्ता बना होता है, उसको कहते हैं क्रोप्रोफिल। वृक्षों का छाल पर उगने वाले कवक को कार्टिकोल्स कहते हैं। वृक्ष के छाल पर भी ऐसे ही सेम उग जाता है, आम के पेड़ में बरसात के दिन में देखेंगे आग निकल आता है छोटा छोटा, और वो लाइकेन कहलाते हैं कार्टियोकोल। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। कौन होता है सबसे बड़ा बीजांड? साइकस। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिनोस्पर्म से। सॉरी। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब वहाँ पे कम हो जाता है, और वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल में रेडॉन गैस जो अक्रिय गैस है वो नहीं पाए जाते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है दोस्तों? तो वो आर्गन है, जो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। इनर्ट गैस इसको बोलते हैं। और अक्रिय गैस का खोज रैमजे ने किया था। किसने किया था? रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78% होती है हमारे वायुमंडल में, और 21% आपका ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? O2 होता है, ऑक्सीजन। उसके बाद है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है ब्रह्मांड में, और वायुमंडलीय दाब का मात्रक बैरोमीटर है। क्या है? बैरोमीटर। अब आगे देखते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। किसका? वर्षा की संभावना का। और वायुदाब मापे मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना आंधी या तूफान को दर्शाता है। ये सब हम ज्योग्राफी में भी किए थे। बैरोमीटर के पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना स्वच्छ व साफ मौसम को दर्शाता है। जब धीरे धीरे चढ़ता है तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। जब दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। और अगला है पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर पानी क्या हो जाएगा? पानी तल अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रह जाएगा। मान लीजिए कि पानी से भरा कोई ग्लास है, उसमें बर्फ का कुछ टुकड़ा लेकर उसमें डाल देते हैं। जब पानी जो भरा, जब उसमें क्या होता है, बर्फ पिघल जाता है, तो वो तल उसका क्या हो जाएगा? क्या पानी बढ़ जाएगा? नहीं, वो वही रह जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम बर्फ डाल लेते हैं तो वो थोड़ा सा पानी की मात्रा ऊपर उठा था, तो वो अपरिवर्तित रहेगा, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। और ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न उठा के देख सकते हैं, है ना। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। बर्फ के दो टुकड़े को जब आपस में दबाते हैं तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है।
पानी से भरे किसी बर्तन में परा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ है तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कैसी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर/सेकंड² होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से 1/6 भाग होता है। मान लीजिए कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 1/6 भाग होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ पे होगा? तो जी का मान कम होगा विषुवत रेखा पर, और जी का मान अधिक होगा पोल पर यानी ध्रुव पर। जी का मान अधिक होगा पृथ्वी के केंद्र पर। जी का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि उसका जो है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मच्छर सब मर जाता है। कोई वस्तु द्रव में असतह या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। जब कोई वस्तु को द्रव में असतह या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कोई कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। अगला प्रश्न है कि उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहती का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई उष्मा विशिष्ट उष्मा कहलाती है। अच्छा, ये सहती का मात्रक क्या होता है और सहती होता क्या है, आप लोग कमेंट करके क्या बता सकते हैं? इसे मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला भी था बहुत पहले। जो लोग इसका आंसर किए होंगे, जो जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन नए जो ऐड हुए हैं उन्हें नहीं पता होगा। मैंने क्वेश्चन डाला था ये चीज़, ठीक है, और आंसर आप लोग कर सकते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर/सेकंड होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग। और सूर्य के लिए पलायन वेग जो होता है वो 42 किलोमीटर/सेकंड होता है सूर्य के लिए। चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.37 किलोमीटर/सेकंड होता है। और ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार TH माइमन ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने? TH माइमन ने। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर को देखने के लिए। तरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तरित चालक का आविष्कार किया था, और तरित चालक बना होता है तांबा का। अगला है प्राथमिक सेल शुष्क सेल से बना होता है, और शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक होती है। कैसी? रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। किससे? जस्ता से। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। और संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु सीसा होता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सीसा। गैलेना अयस्क किसका है? सीसा का। गैलेना जो है वो अयस्क है। और लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला आता है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। किसमें? कैथोड पर। प्रकृति चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। प्रकृति चुंबक क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है। और स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। और अस्थायी चुंबक बना होता है नर्म लोहा का। और अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा का। और अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण होता है। और चुंबक के असमान ध्रुवों पर आकर्षण होता है। असमान पर आकर्षण और समान पे विकर्षण होता है। उसके बाद है चुंबकत्व का खत्म हो। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने पर। चुंबकत्व खत्म कब होगा? पीटने या गर्म करने पर। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर वेबर पर मीटर। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है टेस्ला, न्यूटन पर मीटर, एम्पियर या फिर वेबर पर मीटर। उसके बाद आते हैं ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है। ध्रुवों पर जो नमन कोण होगा वो 900 होगा।
अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री का, 180 का। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180। विषुवत रेखा पर नाती कोण का मान 0-0 होता है। विषुवत रेखा पर नाती कोण का मान कितना होता है? 0-0। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया ओरेस्टेड द्वारा, किसके द्वारा? ओरेस्टेड के द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। प्रश्न क्या है आपका कि डायनेमो हो, विद्युत मीटर हो, ट्रांसफार्मर हो, माइक्रोफोन हो, लाउडस्पीकर हो, ये सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी, कौन करता है? बैटरी। उसके बाद है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, नर्म लोहे का ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, कोर बना होता, क्रोड बना होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है ताप का एसआई मात्रक। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में, डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्यूज का तार बना होता है, सीसा और टीन का फ्यूज तार बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल, कौन थे? ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक, घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का, किसका? यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोवाल्ट 16 का, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? कोवाल्ट 16 का। और कोवाल्ट 16 जो है वो विटामिन B12 में होता है, किसमें? विटामिन B12 में। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं, जो कीमोथेरेपी किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर का प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू वृक्ष से जो है वो कैंसर की दवा टैक्सोल होती है, उसका निर्माण होता है यू वृक्ष से। इंग्लिश में आपको YEW है लिखा हुआ, ठीक है। ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये चिकित्सा संबंधित है अतिसार से। ORD यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है ये अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की, जिससे आँख लाल वगैरह हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह गंदगी सब निकलती है आँख से। डिप्टेरिया रोग से ग्रसित अंग क्या है? गला है डिप्टेरिया रोग से ग्रसित अंग। एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। और HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट, HIV की जांच के लिए क्या होता है? एलिसा टेस्ट। अच्छा, फंगस की बात आई है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। तो फंगस के द्वारा होने वाली जो बीमारी है उसका एक ट्रिक हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, शायद आप लोगों को हेल्प किया कर सके इसमें। इसके लिए मैं बताती हूँ क्या ट्रिक है। तो मैं बताई थी पिछले वाले सेट में गंजा दामाद खाए फ्रूट, क्या खाए? फ्रूट। गंजापन हो जाएगा, दम्मा हो जाएगा, दाद हो जाएगा, खुजली वगैरह जो इसको बोलते हैं वो हो जाएगा, फ्रूट से एथलीट फ्रूट हो जाएगा जो जिसको हाथी पांव बोलते हैं ना, ये सब क्या है? फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी है। अब हम बात करते हैं डिप्टेरिया रोग से ग्रसित अंग गला होता है, एथलीट फुट रोग फंगस से होता है, HIV जांच की जाती है एलिसा टेस्ट, HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा? एड्स है। और हम लोग एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। SARS, अगला प्रश्न है, SARS एक विषाणुजनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायाप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायाप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला।
वायुमंडल की आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। और बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होता है। बर्फ़ का जो गुप्त ऊष्मा होता है वो 80 किलो कैलोरी होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होती है। और पीएच निर्धारण किया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने पीएच मान को निर्धारण किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। और 7 से अगर कम है तो वो इसका मतलब अम्लीय है। और 7 से ज़्यादा, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, और 7 आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है, यानी तीखा होता है क्षार का स्वाद। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? एसिड करता है, यानी अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है। और लाल लिटमस को नीला जो है वो क्षार कर देता है। तो नीला से लाल, लाल से नीला, याद रखिएगा, अम्ल और क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में होता है? तो अम्ल का जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र लाइकेन होता है। प्रयोगशाला में उपयोग लाए जाने वाला लाइकन। अगर आपसे नेचुरल पूछे लिटमस कौन सा है तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन हो सकता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10^-5 सेंटीमीटर होती है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10^-5 से 10^-7 सेंटीमीटर होती है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार। अगला है कि कार्बन के दो अपरूप, एक तो हीरा है और दूसरा ग्रेफाइट है। पेंसिल का शीशा ग्रेफाइट का बना होता है। जो पेंसिल में नुकीला जो होता है किसका? ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित उर्ध्वपातन कहलाता है। कोई ठोस पदार्थ जिसे बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे उर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कपूर को ले सकते हैं। इसे खुला छोड़ दीजिए, वो क्या होगा, सारा निकल जाए, उड़ जाएगा वाष्प में। कपूर को शुद्ध किया जाता है उर्ध्वपातन विधि द्वारा। जस्ट आपका एग्जाम्पल नीचे दे दिया। भूपरपट्टी का सर्वाधिक मात्रा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है भूपरपट्टी पर। और पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम, यूरेनियम जो है 238 पृथ्वी पर पाया जाने वाला है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमाटाइट से। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से होता है। और तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रा कौन सा है दोस्तों? एंगस्टन है। अब एक चैप्टर और बचा है आपका जिसमें साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट पेज है साइंस का, उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक्स को। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी का फुल फॉर्म है। टीएनटी का पूरा नाम ट्राइनाइट्रो टॉल्विन है। ट्राइनाइट्रो टॉल्विन जो है ये टीएनटी का पूरा नाम है। आरडीएक्स, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, आरडीएक्स का फुल फॉर्म है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट, आरडीएक्स का दूसरा नाम भी है। और डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। डीडीटी क्या है? तो डीडीटी एक कीटाणुनाशक है। क्लोरोल इसे कहा जाता है, क्लोरोल का बना होता है। डीडीटी क्लोरोल का बना होता है और यह कीटाणुनाशक है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पीच ब्लेड है, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क। फेराडे इकाई है धारिता का, फेराडे इकाई किसकी है? धारिता का है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडन ने, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पीडन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका और एलुमिना। क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना, सिलिका और एलुमिना। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जास्ता का, पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जास्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु को। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें उसको कठोर बनाने के लिए तांबा धातु को मिलाया जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम को। किसे? क्रोमियम को। सोना का लैटिन नाम ओरम है, सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, क्या है? अर्जेंटन।
सोना चांदी शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, जिसका केमिकल नेम है HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3। बेकिंग सोडा जो हम लोग खाने का सोडा जिसे कहते हैं, उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। कपड़े के जंग के धब्बे से हटाने में प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। मान लीजिए कि कपड़े में जंग के धब्बे लग जाते हैं, उसे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से, किससे? ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का, पेट्रोल मिश्रण किसका है? हाइड्रोकार्बन का। और पेट्रोलियम की विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा, पेट्रोल के विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है। हाइड्रोजन की प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल होता है, सिंपल भाषा में समझिए कि जो इसका स्रोत होता है हाइड्रोकार्बन का वो कच्चा तेल होता है। और गैसोहल मिश्रण किसका होता है? गैसोहल जो होता है वो पेट्रोल और इथोल का मिश्रण होता है। 1 पीको सेकेंड बराबर होता है 10 से 12 सेकेंड, 1 पीको सेकेंड बराबर होता है 10 से 12 सेकेंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 to the power 10 meter होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, परमाणु नाभिक का खोज किसने? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10 to the power -15 meter, नाभिक का आकार होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 to the power 7 अर्ग के, 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 to the power 7 अर्ग के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 to the power 5 डाइन के, 1 न्यूटन बराबर किसके होता है? 10 to the power 5 डाइन के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के, 1 माइक्रोन बराबर होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो वेल्डिंग में जो प्रयुक्त गैस होती है वो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन होती है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से गोताखोर सांस लेते हैं। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है ईस्ट का, डबल रोटी बनाने में किसका? ईस्ट का प्रयोग होता है। अगला है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ताकि ब्रेड मुलायम हो। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड के द्वारा, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, हार्ट ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं वो सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है, जिन्होंने सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था भारत में पहली बार। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा गया है आधुनिक एंटीसेप्टस सर्जरी का जनक। हरा प्रोटोजोआ यूक्लिना को कहते हैं हरा प्रोटोजोआ। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा, मछलियों में श्वसन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से, मछली का जो लीवर होता है उसमें विटामिन डी होता है। और ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है ऑक्टोपस। डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप, डायनासोर कौन थे? मोसोजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं अस्तनी में, डॉल्फिन को वर्गीकृत करते हैं अस्तनी में। सबसे बड़ा अस्तनी है ब्लू, नीला व्हेल जो है सबसे बड़ा अस्तनी है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर, रेशम के कीड़े को पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का, एंटोमोलॉजी अध्ययन किसका है? कीटों का। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है और अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव का जो केंद्र है वो कहाँ पे? हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायनेस्टी अवस्थित कहाँ पे? हैदराबाद में है। घी और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, हल्का पीलापन होता है। घी में वसा 99% घी में वसा होता है और दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर होता है, दूध में वसा मापने के लिए ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप सेंटर वगैरह जो जहाँ पे दूध वगैरह सेंटर होता है वहाँ पे इसका एक छोटा इतना लंबा सा होता है, पतला सा ऐसे लगा रहता है मीटर टाइप का, उससे दूध का जो फैट है वो मापा जाता है। पुरुषों में नसबंदी वेसेक्टोमी कहलाती है, पुरुष में जो नसबंदी होता है उसे वेसेक्टोमी कहते हैं और स्त्री में जो नसबंदी होता है उसको
ऑटोमी कहते हैं, टू वेक्टेमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन मल्टोज होता है आहार नाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू को। एटीपी का निर्माण फ्रक्टोज से होता है और जीव जगत का सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? अर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। उसके बाद वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की मात्रा को अपरिवर्तित करेंगे तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है 40 डिग्री पर। सोनार प्रयोग किया जाता है, 9 संचालकों द्वारा सोनार प्रयोग किया जाता है। लेंस का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइड के द्वारा। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइन से होता है। साधारण नमक जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, खाते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी NaCl होता है। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। कितना उसका जल लवणीय होता है। और चूने के पानी को दुधिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है। ये सब इजी है, सभी लोग जानते होंगे, बस रिवीजन के लिए। दोस्तों थोड़ा सा ये वाला जो PDF है ना, मतलब इस पेज का, वो थोड़ा सा डाउन है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोडाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मान जो है वो C12 होता है। क्या होता है? C12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3। लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। CaSO4 ½ H2O। रासायनिक नाम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमाटाइट है, सॉरी हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। किससे? फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। द्रव सोना क्या कहलाता है? पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? ऊर्जा का है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है और त्वचा का रंग जो होता है वो मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं और उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट है। हरितगृह प्रभाव से संबंधित गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हरितगृह से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड है। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? बीजों से। नोबेल का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहते हैं? नोबेल का तेल। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेनकोट का निर्माण होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और ल्यूमेन की इकाई ज्योति फ्लक्स है। कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता है। और पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कौन करता है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित हमारा ओजोन करता है, O3 जिसको बोलते हैं ओजोन परत। एक्सरे खोजकर्ता WC Roentgen है, जिन्होंने एक्सरे का खोज किया था। एक लड़की अगर झूले पर बैठ के झूल रही है, उसे यदि एकाएक अगर वो झूले पर एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, स्पीड उसका कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय आधा होगा। पारिया बीमारी मसूड़े में होती है, जिससे कि मुंह से स्मेल आता है, दांत से खून आना, ये सब क्या है? पारिया बीमारी का लक्षण है। एनेमिया रोग होता है लोहे की कमी से, आयरन की कमी से एनेमिया रोग होता है। सिरका मिश्रण होता है, पानी और एसिटिक अम्ल का सिरका जो होता है वो मिश्रण होता है।
कार्य करने का दर शक्ति कहलाता है, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट या जूल पर सेकेंड होता है। शक्ति का ऊर्जा का भी जूल पर सेकेंड होता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों एक ही चीज है। आंख क्रेटिना जो है वो कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह, आंख की रेटिना कार्य करता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। उसके बाद है बुनसेन बर्नर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर बुनसेन बर्नर कार्य करता है। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण, पानी का बुलबुला चमकता है। हुंग्स का नियम है प्रतिबल या विकृति या फिर ई के द्वारा, हुंग्स का नियम। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। ये आपका दोस्तों साइंस का सीरीज था जो समाप्त हो गया है। अब हम आते हैं आपके भारतीय अर्थव्यवस्था पे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज का होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मुझे इसमें इस बुक को कंप्लीट करना है। 30 को एग्ज़ाम है, मात्र 6 दिन आप लोगों के पास बचा है। 6 दिन। आज आपका कितना तारीख हो गया आप लोग देख सकते हैं, आज आपका हो गया है डेट 24 सितंबर। तो इसे किसी तरह से समाप्त जल्दी करना है। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, प्रेस ऑन कर ले जरा, ठीक है। अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए कि अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा गया है। तो अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है। तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयुक्त जो है वो विकासशील देश के संदर्भ में होता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयुक्त विकासशील देश के लिए किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की। और विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था चीन की है। तो पहली अमेरिका की, दूसरी चीन की। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 5वां स्थान है। विश्व में कैमा स्थान है? 5वां स्थान है। क्रय शक्ति क्षमता जिसको हम लोग ट्रिपल पी बोलते हैं, इसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 3रा स्थान है। ट्रिपल पी में 3रा स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश क्रमशः अमेरिका और रूस है। जो पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में मिलती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो एडम स्मिथ की एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है पूर्ति और मांग के द्वारा। पूर्ति और मांग के द्वारा जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होता है। रखो और निकालो की नीति पूंजीवादी की है। रखो और निकालो की नीति किसकी है? पूंजीवाद। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है आपका कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। देखिए पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था उस पर किसका नियंत्रण होगा? जो निजी व्यक्ति होंगे उनका इस पर नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है? निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व मिला के मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किंग्स ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था कौन दिए थे? जॉन मेनार्ड किंग्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुआ था 1948 से। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब से प्रारंभ हुआ? 1948 से। अगला है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात दोनों बंद। जिसमें आयात और निर्यात दोनों बंद होते हैं उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में महबूब उल हक ने किया था और यह भी एक अर्थशास्त्री ही थे। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है और 1990 से यह जो है जारी हुआ। कब से? 1990 से।
मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है मानव विकास सूचकांक HDI का जो आकलन, इसका आधार तीन है, एक तो जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जो है वो अप्रैल 2002 में जारी की गई। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? तो भारत के मानव विकास रिपोर्ट को नीति आयोग जारी करता है। कौन करता है? नीति आयोग। अगला है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। जो कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। HDR 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 31वां है और 189 देशों में 2020 के अनुसार। और अभी वर्तमान में तो अभी कितना हो गया है? अभी 132 हो गया है। कितना? 132 हो गया है HDR इंडेक्स में भारत का स्थान टोटल यहाँ पे 189 देशों में, जो पिछले बार 131 था, इस बार 132 हो गया। ठीक है, अगला है मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार मानव विकास मामलों में प्रथम तथा अंतिम स्थान नॉर्वे और नाइजीरिया का था। ये पिछला आंकड़ा है, आप देख लीजिएगा, इसे आप लोग करंट में याद कर लीजिएगा। वैसे तो हम करवा ही चुके हैं सभी चीज़ों को। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आर्थिक गतिविधि के स्थान पे पहला प्राथमिक, दूसरा और तृतीया, तीन स्थानों में इसको व्यवस्थित किया गया है। तीन क्षेत्र में पहला, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन, यानी प्राकृतिक से संबंधित जो है इसमें प्रथम क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति आदि सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, ये सभी सेवा क्षेत्र इसमें आते हैं तृतीय क्षेत्र में। और हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान होता है तो तृतीय क्षेत्र का होता है। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान। अगर प्राथमिक क्षेत्र में योगदान पूछे सकल घरेलू उत्पाद में, तो 16.38% प्राथमिक का, द्वितीय का 29.34% और तृतीय का 54.27% है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867 से 68 में, जो दादा साहब नेहरोजी के द्वारा किया गया था, और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। किसने? दादा भाई नेहरोजी ने 1867 से 68 में। दादा भाई नेहरोजी की एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नेहरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे दादा भाई नेहरोजी। धन निष्कासन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नेहरोजी। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1931 से 1932 में VKRV राव के द्वारा। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1931 से 1932 में VKRV राव के द्वारा। प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 62 रुपया बताया था, 62। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1939 को PC महालनोबिस की अध्यक्षता में हुई थी। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन सबसे पहली बार PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 4 अगस्त 1949 को। इसके बाद राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया वाणिज्य मंत्रालय ने 1948 से 1949 में। तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान वाणिज्य मंत्रालय ने 1948 से 1949 में दिया। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई 2 मई 1951 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, है ना। उसके बाद है राष्ट्रीय आय की गणना। ये तो देखिए, ये जो हम देखे वो केंद्रीय सांख्यिकी है। अब राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद कैसे कौन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO करता है। कौन? NSSO इसका मदद करता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेस्ट को, जो राष्ट्रीय आय के लेखांकन के जन्मदाता माना जाता है। किन्हें? साइमन कुजनेस्ट को। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह स्टॉक नहीं, राष्ट्रीय आय है
एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्यों का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। अगला है, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी NNP। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी NNP। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण, जो 1981 में दिए थे हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा को। अगला प्रश्न आता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का जो आधार वर्ष माना गया वो 2011-12 को माना गया है आधार वर्ष। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, पीछे भी हम बताए हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका होता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र का होता है, यानी कृषि का। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है। अगला है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद, यानी GDP होता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद GDP होता है। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी GDP कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल क्या कहलाता है? निम्बल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को अगर घटा दिया जाए तो उससे प्राप्त जो प्रतिफल होता है उसको NNP कहते हैं, यानी निब्बल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पत्र श्वेत पत्र कहलाता है। राष्ट्रीय आय से संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था CSO ने 1956 में। राष्ट्रीय आय के संबंध में सबसे पहला श्वेत पत्र जारी किया था CSO ने 1956 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है किससे भाग देकर? जनसंख्या आय में भाग देकर। अगला प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति इनकम है। गरीबों से आशाई है कि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना गरीबी का अर्थ ये है। ठीक है, जो आवश्यकता है की चीज़ है उन्हें भी वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं, वो व्यक्ति गरीब होते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में गरीबी का मापन आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। ये जो है भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। अगला बात आता है आपका कि भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहता निर्धारित की गई है 2400 कैलोरी एंड 2100 कैलोरी। यानी कि भारत में जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में है, तो ग्रामीण में 2400 और शहरी में 2100। मूल स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव 1989 में गठित लकरवाला समिति द्वारा किया गया था। तो मूल स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव 1989 में गठित लकरवाला समिति द्वारा किया गया। अगला है सुरेश तेंदुलकर समिति 2004। ये जो है सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगाराजन समिति 2012 गरीबी निर्धारण से संबंधित है दोनों, रंगाराजन और सुरेश तेंदुलकर। भारत की निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास योजना आयोग ने 1962 में किया था।
भारत की निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास योजना आयोग ने 1962 में किया था। अगला है, वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। लॉरेंज वक्र है, व्यक्तियों की आय का वितरण एवं चित्रीय प्रदर्शन लॉरेंज वक्र है। गिनी गुणांक है, आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि गिनी गुणांक है। गिनी गुणांक क्या है? आय वितरण की विषमता कि माप की सबसे प्रचलित विधि है। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है 1.25 डॉलर प्रतिदिन आय को। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है। अगला है, भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में इसे गरीबी निवारण के लिए सबसे पहले अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम को। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को होती है राजस्थान से, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के शिखोरा ग्राम से होती है। किसकी शुरुआत? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के शिखोरा ग्राम से। अगला है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ये जो है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को जारी करता है NSSO ने। अगला प्रश्न बनता है कि अदृश्य, प्रच्छन्न या फिर छिपी, ये तीनों शब्द एक ही चीज़ के लिए सब उपयोग होता है। अदृश्य हो या फिर प्रच्छन्न हो या फिर छिपी हो, बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। अदृश्य, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। और भारत में अगर बेरोजगारी का स्वरूप देखा गया तो वो संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है वो दीर्घकालीन होती है, यानी दीर्घकालीन होती है। और व्यावसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय कहलाती है। क्या कहलाती है? चक्रीय कहलाती है। व्यावसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है विकसित देशों में। कहाँ पे? विकसित देशों में सबसे ज़्यादा चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी और अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। खुली या प्रत्यक्ष। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू की गई 1 फरवरी 2008 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू हुई 1 फरवरी 2008 को। अगर प्रश्न रहे कि नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, यानी कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है। उसके बाद मनरेगा का लक्ष्य क्या है, तो 100 दिनों रोजगार देना, ये जो है मनरेगा का लक्ष्य है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वित्तीय वर्ष की अवधि जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष की अवधि है। वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? 1951 में। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन होता है। आर्टिकल कौन सा? 280(1). अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(6) में दिया हुआ है। राज्य वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की
कौन करता है वित्त आयोग की? तो वो इसका वित्त आयोग के का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है केंद्र तथा राज्यों के बीच बीच के राजस्व को बंटवारा करना, ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। सातवें वेतन आयोग का गठन, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन? अशोक कुमार माथुर। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। 23 जनवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में योजना आयोग के द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। कब? 23 जनवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित। भारत में योजना का स्वरूप क्या है? मिश्रित है। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में दिया था कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार को। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा था एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को लिखा था किसने? एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। अगला प्रश्न है कि भारत के आधुनिक नियोजन के प्रणेता कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। आधुनिक भारत नियोजन के प्रणेता कहा जाता है। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन नारायण ने 1944 में। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्ना नारायण ने 1944 में। गांधी योजना को तैयार किया था। अगला प्रश्न है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान ये 15 वर्षीय योजना थी और इसे लागू किया गया था 1944 में बॉम्बे प्लान को, और ये 8 उद्योगपतियों द्वारा इसे शुरू किया गया था बॉम्बे प्लान को। नेक्स्ट है जन योजना पीपल्स प्लान। ये निर्मित की गई थी श्री एम एन राय के द्वारा अप्रैल 1945 में। जन योजना निर्मित की गई थी किसके द्वारा? श्री एम एन राय के द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुआ था। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब? 1938 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन कब? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक। दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योजना आयोग कैसी संस्था थी? तो गैर संवैधानिक संस्था थी योजना आयोग। अगला है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। अब इसके जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग आ गया है, सभी लोग जानते होंगे। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तो अंतिम थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति ये योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग इसके जगह पर लाए हैं। सेम चीज है, बस का नाम बदल गया, ठीक है। और उपाध्यक्ष मोटेंग सिंह अहलूवालिया थे जो अंतिम उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था के गठन किया गया? अभी हम इसी के बारे में बता रहे थे, नीति आयोग का। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2015 से। और नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और ये जो है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? नीति आयोग की थी, जो पंचवर्षीय योजना को बनाएगा। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष अरविंद पनघटिया। और अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनी है सुमन बैरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर के लिए, सुमन बैरी। और परमेश्वर अय्यर कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग संस्था कैसी है? गैर संवैधानिक है। जैसे योजना आयोग गैर संवैधानिक थी, उसी तरीके से नीति आयोग भी गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है।
परामर्शदात्री संस्था है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन था, अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या करता है? पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और सुपर कैबिनेट के रूप में भी एनडीसी को जाना जाता है। नेशनल डेवलपमेंट कमेटी को भी सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। एनडीसी भी गैर संवैधानिक संस्था है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है, नीति आयोग का जो सचिव होगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। अगला है नियोजन से क्या तात्पर्य है? तो नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। कैसी नियोजन? आर्थिक नियोजन। नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया रूस ने। नियोजन को सर्वप्रथम किसने अपनाया? रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और इसे आर्थिक नियोजन को सातवीं अनुसूची में रखा गया। किसमें? सातवीं अनुसूची में। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर, कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? केंद्र और राज्य सरकार। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित है रूस से। भारत में पंचवर्षीय योजना किससे प्रेरित है? रूस से है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया था 1951 से 1956 पर आधारित था। इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? कृषि पर विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसका मॉडल था पीसी महालनोविस्के मॉडल पर आया था। पीसी महालनोविस्के मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था। और इस योजना की प्राथमिकता जो थी वो भारी एवं आधारभूत उद्योग था। क्या था? उद्योग से संबंधित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये सभी इस्पात कारखाना जो है इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। किसका किसका? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। और इस सभी को दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में जो है इसे स्थापना किया गया था। अब आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 पर आधारित था। और सैंडी चक्रवर्ती महालनोविस मॉडल पर आधारित था तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर। अब तक की सबसे असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे असफल रही। और तृतीय योजना का विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति दर जो था वो क्रमशः 5.6% से 2.8% था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का विकास दर। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण क्या था? भारत पाक का युद्ध जो 1965 में हुआ था वो, और भारत चीन का युद्ध 1962 का, जिस समय की भयंकर अकाल पड़ा था, और यही कारण था तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण। अगला है 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में ही हुई थी। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। तीन वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी गई है योजना अवकाश को। तीन वार्षिक योजनाओं की संज्ञा योजना अवकाश को दी गई है, क्योंकि इस बीच में जो है ये पंचवर्षीय योजना नहीं था। 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 था। चतुर्थ आपका 1969 से 74 था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जो मॉडल थी वो डी आर गॉडविल मॉडल था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो 1966 से 69 और 69 से 74 ये क्या था? तो तीन वार्षिक योजनाओं की संख्या इस सभी को दिया गया था। योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69 और चतुर्थ योजना की अवधि 1969 से 1974। अगला प्रश्न बनता है आपका कि गाडविल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना को गाडविल योजना भी कहते हैं। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, चतुर्थ योजना आयोग में 1969 में जो हुआ था इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। पांचवी योजना का काल 1974 से 78 रहा था। पांचवी योजना का काल 1974 से 78 था और पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो तैयार किया था वो डीपी धर ने किया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने? डीपी धर ने। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भर। ये था पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य, क्या था? निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी पांचवी। कौन थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, तो 4 वर्ष के लिए आया था और 1 वर्ष पूर्व से समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ और निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, जो 4 साल के लिए था। नाम तो पांचवी है लेकिन 4 वर्ष के लिए था, इसे 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। काम के बदले अनाज 1977 से 78 कार्यक्रम शुरू हुआ था पांचवी योजना के काल में, काम के बदले अनाज। आगे देखते हैं, उन्नीस सौ 75 में इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पांचवी योजना काल में इंदिरा गांधी ने 20वीं सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई पांचवी योजना काल में। उसके बाद है 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ पांचवी योजना के काल में। क्या लागू हुआ? 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ पांचवी योजना काल में। उसके बाद है अनवर्त योजना, जिसको रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। इसका समय 1978 से 80 तक रहा है, अनवर्त योजना यानी रोलिंग प्लान का काल, और ये भी पांचवी योजना के बाद था 1978 से 80। अनवर्त योजना देन है गुन्नार मेडल का, जिन्होंने अनवर्त योजना को दिया, और अनवर्त योजना के प्रतिपादक रेगनर फ्रिस थे। तो पूछे कि योजना देन किसका है, तो गुन्नार मेडल का, और इसके प्रतिपादक रेगनर फ्रिस थे। अनवर्त योजना जो आधारित थी वो गांधीवादी मॉडल पर आधारित था, अनवर्त योजना मतलब अनवर्त योजना। उसके बाद है नवार्ड। नवार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को हुई नवार्ड की योजना स्थापना, और ये छठी योजना के काल में जो 1980 से 1985 में था, सिमरामिन समिति के सिफारिश पर नवार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। कौन सी योजना काल? 1980 से 1985 में छठी योजना का काल, सिमरावन समिति। किसे संबंधित है? नवार्ड से। छठी योजना का काल 1980 से 1985 आधारित था आगत निर्गत मॉडल पर। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था 1980 से 1985। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार सृजन और गरीबी निवारण, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी से संबंधित IRDP, NREP, TRISEM, उसके बाद है DWACRA और उसके बाद RLEGP कार्यक्रम को लागू किया गया छठी योजना में। किसमें? छठी योजना में। ये कुछ कार्यक्रम थे जिसको लागू किया गया। इरेंडा हो गया, NRP हो गया, TRISEM हो गया, इस सभी को क्या किया गया? छठी योजना के काल में बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित ये सारी चीज कार्यक्रम है और इसे लागू किया गया। उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था छठी योजना के काल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। सातवीं योजना की अवधि थी 1985 से 1990। सातवीं योजना की अवधि थी 1985 से 1990। इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 और जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो सातवीं योजना काल में हुआ था 28 अप्रैल 1989 में। इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 और जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989, ये सातवीं योजना के काल में ये दोनों चीज़ जो है प्रारंभ हुआ था। नेहरू रोजगार योजना 1989 में अक्टूबर माह में जो शुरू हुआ था वो प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना के काल में। कौन से काल में? सातवीं योजना के काल में। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के लिए था आठवीं पंचवर्षीय योजना, और इसका जो मॉडल था वो जॉन डब्ल्यू मिलर ने था। कौन था? जॉन डब्ल्यू मिलर, इन्होंने इसका मॉडल तैयार किया था आठवीं पंचवर्षीय योजना का। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। क्या था? मानव संसाधन का विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। और आठवीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था
5.6% से लेकर 6.8% तक। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ आठवीं योजना काल में। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ आठवीं योजना के काल में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना 15 अगस्त 1993 में शुरू हुआ था आठवीं पंचवर्षीय योजना के काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित नौवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2000 था, इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। ये नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नौवीं पंचवर्षीय योजना इसका मॉडल कौन था? आगत निर्गत मॉडल 1997 से 2002 तक। एंड आपका था दसवीं योजना का काल 2002 से 2007। और दसवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ये दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और अब तक के सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना दसवीं योजना थी, जो सबसे सफल और सबसे विकास दर वाली योजना थी। दसवीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति का लक्ष्य था 8% से 7.6% के बीच। ग्यारहवीं योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र और समावेशी विकास। क्या था? तीव्र और समावेशी विकास। बारहवीं योजना की अवधि थी 2012 से 2017 तेरहवीं पंचवर्षीय योजना, बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और बारहवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र सर्वपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। तीव्र सर्वपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। बारहवीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था 8% और 7.6%। बारहवीं योजना का आर्थिक विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था। योजना पत्रिका का प्रकाशन किया था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में हुआ। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ कब हुआ? 1991 में। नई आर्थिक नीति के दौरान भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। जब नई आर्थिक नीति चालू हुई थी तो भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत 1951 में ही होती है। किसकी? आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के नए युग की शुरुआत 1951 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत कहा जाता है मनमोहन सिंह को, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत हैं। अगला है आपका ट्राइसेम, ग्रामीण युवाओं हेतु स्वराज प्रशिक्षण। ट्राइसेम ये इसका फुल फॉर्म है। इस योजना की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1979 को होती है। ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब? 15 अगस्त 1979 को। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1982 में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में। NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसकी शुरुआत 1980 में होती है। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2001 को होती है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत। उसके बाद है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1999 को हुआ। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1999 को। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 से 2001 में हुई। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003 को होती है। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ कब होता है? 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ 2003 से 2004 में। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ। स्वयं जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ दिसंबर 2002 में। स्वयं जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब? दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुआ? दिसंबर 2002 में। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुआ 1985 से 1986 में। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 2008 से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला है कपाट का गठन हुआ 1 सितंबर 1986 को। कपाट का गठन हुआ और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। कपाट का हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बजट का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता की बजट का सिद्धांत किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था।
न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि से संबंधित है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है CACP करता है, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया, तो 1964 से 65 में खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू किया गया, कब, 1964 से 1965 में। अगला है, भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई 1920 ईस्वी में, बड़ोदरा में भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई। चकबंदी के दो प्रकार हैं, ऐच्छिक व अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत 1921 में पंजाब से होती है, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत पंजाब से होती है 1921 में, और अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत 1928 में होती है मध्य प्रदेश में, अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार सीमांत है, देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार सीमांत है, और सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है, क्या है, 1 हेक्टेयर से कम। जोतों का आकार सबसे कम कहाँ पे है, केरल में है जोतों का आकार सबसे कम। जोतों का आकार सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, जोत का आकार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, राजस्थान में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच को कृषि वर्ष माना जाता है। फसल बीमा योजना शुभारंभ हुआ था 1985 में, कृषि फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 1985 में। कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की थी राज्य समिति ने, कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की थी किसने, राज्य समिति ने। भारत की पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 में स्टार्ट होती है, भारत की पहली कृषि जनगणना कब, 1970 से 71 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 में प्रारंभ हुआ, 1999 से 2000 के बीच राष्ट्रीय कृषि योजना शुभारंभ हुआ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है जिसने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया, किसने, महाराष्ट्र ने। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड, जो भारत में कृषि को सबसे ज़्यादा वित्त प्रदान करती है, और सर्वोच्च संस्था है वो है नाबार्ड। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है, रबी फसल की बुआई, ठीक है, और खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, तो रबी का अक्टूबर नवंबर में और खरीफ का जून जुलाई में बुआई होती है। रबी फसल में गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, ये सभी आपका रबी फसल में आ गया। खरीफ फसल में आपका आ जाएगा चावल, बाजरा, मक्का, ये जो भी मोटा अनाज है वो खरीफ फसल में है। और जायद फसल की बात करें तो ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी, ये सब आपका जायद फसल है। भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, चावल भारत का मुख्य खाद्य फसल है। और हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गार्ड, जिन्होंने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967 से 68 में होती है, हरित क्रांति की शुरुआत कब, 1967 से 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है M.S. स्वामीनाथन को, तो हरित क्रांति शब्द के प्रयोगकर्ता विलियम गार्ड थे, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर कहते हैं M.S. स्वामीनाथन थे। वही अगर विश्व स्तरीय पर इसका जनक पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। तो ये हरित क्रांति से संबंधित 3 व्यक्ति हैं, तीनों का अलग अलग काम है। उसके बाद है, हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल क्या है, गेहूं हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री C.S. सुब्रमण्यम थे, कौन, C.S. सुब्रमण्यम थे, जो हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है, हरित क्रांति जनक का देश पूछे तो वो फिलीपींस है, और सर्वप्रथम हरित क्रांति पंजाब में आई थी, राज्य में पूछे तो कहाँ पे, पंजाब में। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है, लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, रजत क्रांति का संबंध किससे, अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से, बादामी मसाला से।
गोल क्रांति है आलू उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम से। और ब्राउन क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा से है, ब्राउन क्रांति। देखिए एक है ब्राउन क्रांति अलग है जिसको गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है, और एक है आपका भूरी क्रांति, उसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से, फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। और सभी क्रांतियों का सम्मिलन जो है इंद्रधनुषी क्रांति कहलाता है, सभी क्रांतियों का सम्मिलन क्या कहलाता है, इंद्रधनुषी क्रांति। प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है ये देखिए, प्रत्यक्ष कर में आपका आता है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, ये सभी आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है विक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, ये सभी क्या है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया भू राजस्व कर, कृषि कर, आयकर, उसके बाद आता है बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर और वाहन कर, ये सभी जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी चलैया समिति, जो कर ढांचे में सुधार यानी टैक्स में सुधार से संबंधित चलैया समिति है, और इसका गठन 1991 में होता है अगस्त माह में। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत क्या है, कर आगम का बड़ा स्रोत निगम कर है, और निगम कर लगता है कंपनियों के इनकम पर जो है वो निगम कर लगाया जाता है। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर जिसको वैट बोलते हैं ये लागू किया गया था 2005 में, कहाँ पे, हरियाणा में वैट को लागू किया गया था। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट संबंधित है उत्पाद कर से, मोड वैट संबंधित है किससे, उत्पाद कर से। उसके बाद है सेन वैट संबंधित है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, सेन वैट संबंधित है। सर्विस टैक्स लेता है आयकर विभाग, इनकम टैक्स जो है वो क्या लेता है, सर्विस टैक्स लेता है। और भारत में जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, जीएसटी को लागू किया गया भारत में। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है, जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ था, जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पे, फ्रांस में लागू हुआ था। और जीएसटी में चार दरें होती हैं, 5, 12, 18 और 28, ये चार जो है जीएसटी के चार दरें होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया, तो जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन आपका 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, और ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जीएसटी परिषद की स्थापना 2 सितंबर 2016 को होती है, जीएसटी परिषद की स्थापना। सेवा कर प्रारंभ किया 1994 से 1995 में, सेवा कर को प्रारंभ किया गया। रेखा समिति गठित की गई थी, और प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए रेखा समिति को गठित की गई थी। अगला है बांचू समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर जांच से, बांचू समिति संबंधित है किससे, प्रत्यक्ष कर जांच से संबंधित है बांचू समिति। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन ब्याज दरें बढ़ाना है, और मुद्रास्फीति से हानि होता है ऋणदाता को, किसको, ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि होता है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है, तो मुद्रास्फीति से लाभ ऋणी को होगा। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन हुआ 1542 में, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जिसको करेंसी बोलते हैं उसका प्रचलन 1862 में हुआ था,
1862 में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन हुआ था। भारत ने दशमिक यानी दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया 1 अप्रैल 1957 को। भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया कब? 1 अप्रैल 1957 को। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957 को। मीट्रिक प्रणाली को कब अपनाया गया? 1 अप्रैल 1957 को। विश्व में मुद्रा की मैट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई थी 1790 ईस्वी में फ्रांस में। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई 1790 में फ्रांस में। मुद्रा अपस्थिति वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, उसे मुद्रा अपस्थिति कहते हैं। उसके बाद है आपका स्टैगफ्लेशन। ये क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है मंदी के साथ मुद्रा स्फीति, से स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन जो होता है वो मंदी के साथ मुद्रा स्फीति को कहते हैं। और भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण जो है वो उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर होता है। किस पर? उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य का घटना क्या कहलाता है? तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का घटना अमूल्यन कहलाता है। क्या कहलाता है? अमूल्यन। देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही सब शब्द आपके एग्जाम में आते हैं। मुद्रा अमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना मुद्रा अमूल्यन का उद्देश्य होता है। और भारतीय मुद्रा अमूल्यन जो है अभी तक 3 बार हो चुका है। एक बार 1939 में, दूसरा 1966 में और तीसरा 1951 में। 3 बार मुद्रा अमूल्यन हो चुका है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास या पलायन की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट या गर्म मनी कहते हैं। वैसी मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास या पलायन की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट या गर्म मनी कहते हैं। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया 19 अगस्त 1994 को। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1999 में। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1999 में। अगला है, वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या 19 है। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या 19 है और 19वां देश लिथुआनिया है। कौन है? लिथुआनिया। लिथुआनिया एक बाल्टिक देश है, आप सभी को पता है। सबसे महंगी मुद्रा इंग्लैंड की पाउंड स्टार्लिंग है। सबसे महंगी मुद्रा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वो हॉट करेंसी कहलाती है। हॉट करेंसी, हार्ड करेंसी किस, हॉट नहीं सॉरी हार्ड लिखा हुआ है, हार्ड करेंसी किसको कहते हैं? तो वह वैसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो कहलाती है सॉफ्ट करेंसी। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। जब गवर्नमेंट पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई चलाती है तो उसको क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। भारत में अब तक विमुद्रीकरण जो है वो 3 बार हुआ है। एक बार 1946 में, दूसरा 1978 में और 2016 में। ये 2 बार भारत में अब तक, 3 बार अभी तक भारत में विमुद्रीकरण हो चुका है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993 से 1994 के बजट में। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन है? JBC। JBC जो है ये बाजार के नियमक के प्रतिपादक हैं। हवाला है मुद्रा विनियम का अवैध कारोबार। क्या है हवाला? हवाला क्या है? मुद्रा विनियम का अवैध कारोबार हवाला है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्रोमर ने दिया था। क्रोमर ने यह परिभाषा दिया था कि मुद्रा जो है वो स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ऐच्छिक मुद्रा, साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। और कानूनी मुद्रा, फ्लैट मनी को कहते हैं कानूनी मुद्रा। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। और ब्लैक मनी का अर्थ होता है अधोषित धन, अधोषित यानी गलत तरीके से कमाया गया मनी।
स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड से, स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं। और मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1 है, इससे आपका एक प्रश्न फिक्स है, ये M1, M2, M3 से है ना। मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप कौन है? M1 है। और मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा मुद्रा जो है वो M3 कहलाती है। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है कच्चा तेल के आयात पर। सबसे ज़्यादा व्यय किस पर होता है? कच्चा तेल के आयात पर। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से और भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। किसको? अमेरिका को। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मंद है पेट्रोलियम उत्पाद। क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका, जो कि हर देश से सिर्फ और सिर्फ ये व्यापार के लिए ही जुड़ा होता है। ठीक है, कहने के लिए मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि इसको बस अपने व्यापार से मतलब है। मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। एक रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। एक रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। और एक रुपये से जो अधिक के सभी मूल्य होते हैं उस पर हस्ताक्षर होते हैं RBI के गवर्नर के। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो RBI के द्वारा जो नोट छापा जाता है उस पर 17 भाषा लिखी होती है। और एक रुपये के नोट व सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है। और जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। मुद्रा बाजार किसको कहते हैं? तो जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। अगला प्रश्न है, गिल्ड एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार क्रय विक्रय से। गिल्ड एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार क्रय विक्रय से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। भारत सर्वाधिक आयात करता है किसका? तेल और पेट्रोलियम का। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक। ये जो है सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक, यानी एक्जिम बैंक जिसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को होती है, एक्जिम बैंक की स्थापना। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। और मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? तो मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, सिफारिश देने के लिए किया गया था। मल्होत्रा समिति का गठन जो है ये बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, सिफारिश देने के लिए किया गया था। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है UTI, LIC और GIC। ये तीन ऐसी कंपनी है जो दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है। भारतीय जीवन बीमा LIC, LIC का स्थापना 1 सितंबर 1956 को होता है LIC का स्थापना। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ 1971 में। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ कब? 1971 में। अगला प्रश्न है कि सामान्य बीमा निगम जिसे GIC कहते हैं, इसकी स्थापना 1972 में होती है। GIC यानी सामान्य बीमा निगम की स्थापना 1972 में होती है। बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? IRDA करता है बीमा क्षेत्र का नियमन। और IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसका गठन 19 अप्रैल 2000 को होता है और यह मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसका गठन होता है। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है UTI। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन है? UTI है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट इसका फुल फॉर्म है। और UTI का स्थापना 1 फरवरी 1964 को होता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। अगला है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है, जो भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है क्रमशः नासिक, हैदराबाद और देवास में। ये तीन जगह पे क्या है? प्रिंटिंग प्रेस है नोट का। अगला है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है।
भारत में सिक्का बनाया जाता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा से सिक्का बनाया जाता है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। सहकारी समिति का ढांचा है त्रिस्तरीय। सहकारी समिति का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय है। नकदी में प्राप्त मजदूरी मौद्रिक मजदूरी कहलाती है। नकदी में प्राप्त मजदूरी क्या कहलाती है? मौद्रिक मजदूरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार स्वीकृत हुआ था वर्ष 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार 1948 में स्वीकृत हुआ था। और पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। पूंजी साधन का प्रतिफल क्या होता है? ब्याज होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 को होता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, उस टाइम गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख। और रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओस्वाल्ड स्मिथ थे, जो रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। और रिजर्व बैंक के अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख थे, जो रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? केजी उदेशी पहली ड्यूटी महिला गवर्नर थी। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होते हैं और 4 ड्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जुलाई 1955 में रखा गया था SBI। पहले इम्पीरियल बैंक इसका नाम था और 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि देश का बड़ा सार्वजनिक या व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। जो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक है कौन? SBI। SBI बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को होती है। SBI बैंक की स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955 को। और गोरवाला समिति की स्तुति पर, किस पे? गोरवाला समिति की स्तुति पर SBI बैंक की स्थापना होती है। सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 19 जुलाई 1969 में। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कि 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार जो है 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। 6 अन्य बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद है भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की स्तुति प्रस्तुत किया था हजारी समिति ने, कि बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण की स्तुति किसने प्रस्तुत किया था? हजारी समिति ने। नोटों का निर्गमन करता है RBI। 1 रुपये का नोट एवं सिक्कों को छोड़कर सभी कौन करता है? RBI करता है। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली कौन सी है? न्यूनतम कोष प्रणाली जो है ये वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया 1956 में। कब? 1956 में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया। RBI के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो RBI के पास हर समय न्यूनतम 115 करोड़ रुपये का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। कितना? 115 करोड़ का। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक क्या है? फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक है अमेरिका का। कहाँ का है? फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक कहाँ का है? अमेरिका का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBS को प्रायोजित करता है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। कौन करता है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। और RRBS की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 को होती है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक का, ठीक है। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। रिजर्व बैंक ऋण जो प्रदान करता है कितने दिन का? 90 दिन का। और भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो भारत का पहला बैंक था। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू हुआ था 1955 में। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार शुरू हुआ था, संशोधन 2002 में हुआ था। 1955 में शुरू हुआ था और 2002 में संशोधन हुआ था। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल, जिसको
एम्बुड्समैन की योजना कहते हैं वह प्रभावी 2006 में हुआ। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल की योजना 2006 में प्रभावी हुआ, इसी को ओम्बुड्समैन बोलते हैं। बैंकिंग लोकपाल का कार्य है बैंक ग्राहकों को बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना, ये है बैंकिंग लोकपाल का कार्य। क्या करना है इसका कार्य? तो जो भी ग्राहक को बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं उससे संबंधित जो भी शिकायत होगा उसका समाधान कौन करेगा? बैंकिंग लोकपाल। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जिसने क्रेडिट कार्ड जारी किया था। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, 2003 में इसने प्रीपेड कार्ड को जारी किया था। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक ICICI बैंक है जिसका स्थापना 1994 में होता है। इंटरनेट बैंकिंग शुरू किया सबसे पहली बार ICICI बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुआ 1998 से, किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुआ। भारत में ATM सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? HSBC 1987 में। भारत में ATM सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक HSBC है जिसने 1987 में इसका स्थापना होता है और इसने ATM की शुरुआत किया था। ठीक है, देश का प्रथम तैरता हुआ ATM स्थापित किया गया है कोची में SBI का। SBI ने देश का पहला तैरता हुआ ATM स्थापित किया है कोची में। और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में की गई। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में। नरसिंहम समिति संबंधित है, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है नरसिंहम समिति। गायोपोडिया समिति का संबंध भी बैंक में ग्राहकों के सेवा सुधार से है, गायोपोडिया समिति का संबंध। देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक है जो मध्य प्रदेश में है, यह देश का पहला मोबाइल बैंक है। और UTI बैंक वर्तमान नाम इसका एक्सिस है। UTI बैंक का वर्तमान नाम क्या है? एक्सिस बैंक है। अब आइए जिसका स्थापना 30 जुलाई 2007 से, कब? 30 जुलाई 2007 से। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास IDBI की स्थापना 1 फरवरी 1964 को होती है। IDBI बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति कहलाता है ट्रेजरी बिल। क्या कहलाता है? ट्रेजरी बिल। अल्पकालिक प्रतिभूति जो होता है उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं RBI के द्वारा। जो भी ट्रेजरी बिल होता है वो RBI के द्वारा भारत बेचा जाता है उसके बाद भारत में। और RBI कितने दिनों का ट्रेजरी बिल निर्गत करता है? तो 91 से 364 दिन का ट्रेजरी बिल को निर्गत करता है RBI। और ट्रेजरी बिल्स की जो न्यूनतम राशि होती है वो 25,000 रुपया या इसी का गुणक होता है ट्रेजरी बिल का। एड हॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया 31 मार्च 1997 को और शुरू हुआ था 1955 में। एड हॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कब किया गया? 31 मार्च 1997 को। ये शुरू कब हुआ था? 1955 में ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न बनेगा कि भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है, तो भारत में जो मौद्रिक नीति होता है उसको जारी करता है मौद्रिक नीति समिति। जो अध्यक्ष होते हैं RBI के, इसके गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? RBI के गवर्नर। और RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है प्रति 2 माह पर। RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा कब करता है? प्रति 2 माह पर करता है। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR और SLR। ये चारों जो है आपका मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण है। मौद्रिक नीति का क्या है? उपकरण है। नेक्स्ट है आपका जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण प्राप्त करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट किसे कहते हैं? जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से लेती है, जो भी बैंक हैं वो रिजर्व बैंक से ऋण लेती है उधार या नकदी, उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। जिस रेट पे लेती है उसको रेपो रेट कहते हैं। और वह दर जिस पर RBI अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसे कहलाता है रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में RBI के पास जमा करे तो वह कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में RBI के पास जमा करे तो यह क्या कहलाता है? नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR। उसके बाद है बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वो वैधानिक तरलता दर कहलाता है यानी SLR कहलाता है। बैंक RBI के द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वो क्या कहलाता है? SLR कहलाता है यानी वैधानिक तरलता दर कहलाता है।
अगला प्रश्न है कि आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है वो बैंक दर कहलाता है। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है उसे बैंक दर कहते हैं। और एनईएफटी और आरटीजीएस साधन है मुद्रा अंतरण का। एनईएफटी और आरटीजीएस किसका साधन है? मुद्रा अंतरण का। एनईएफटी का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीसी का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का पूर्ण रूप है। और आईएफसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसके बिना आप लोग बैंक खाते में पेमेंट नहीं भेज सकते हैं। आईएफसी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद है भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं यूके में है। कहाँ पे है? यूके में। भारतीय बैंकों का सबसे ज़्यादा शाखा कहाँ पे है? यूके में। सहकारी बैंक का गठन तीन स्तर पर हुआ है। सहकारी बैंक का गठन तीन स्तर पर। अगला है भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत 1904 में होती है। भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत। मानसून का जुआ कहलाता है। भारतीय बजट मानसून का जुआ कहलाता है। और घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो तो घाटे का बजट कहलाता है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। लोकसभा में आरक्षित सर्वेक्षण को, आर्थिक सर्वेक्षण को क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार नए तरीके से बजट को तैयार करना। शून्य आधारित बजट देन है अमेरिका की। शून्य आधारित जो बजट है किसकी देन है? अमेरिका की देन है। और भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष वार्षिक बजट में अपनाया गया? तो 1987 से 1988 में भारत में शून्य आधारित बजट को अपनाया गया। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे पी ए पायर। कौन थे? पी ए पायर। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे पी ए पायर। अगला प्रश्न है कि कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर कहलाता है बजटीय घाटा। क्या कहलाता है? बजटीय घाटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ क्या होता है? शेयरों की खरीदारी अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ होता है। और विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था जो है वो स्वीडन का है। नकदी रहित अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में। बिंग पशु सिद्धांत दिया था रॉडन ने। बिंग पुश सिद्धांत दिया था रॉडन ने। किसने? रॉडन ने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया था? वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा को पारित किया गया था। कोपरा को। उसके बाद है उपभोक्ता के बजट का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता के बजट का सिद्धांत दिया था किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। पूंजी बाजार से क्या आशाई है? तो पूंजी बाजार से आशाई है शेयर बाजार। क्या? शेयर बाजार से। भारत का पहला व सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में होती है। और सबसे पुराना बीएसई है, जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना है और इसकी स्थापना 1875 में होती है। कब? 1875 में। और बीएसई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हुआ 19 अगस्त 2005 को। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कब परिवर्तित हुआ? 19 अगस्त 2005 को बीएसई जो है वो परिवर्तित हुआ। अगला है दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। और बीएसई का सूचकांक कौन सा है? तो सेंसेक्स जो है ये बीएसई का सूचकांक है। ये शेयर बाजार से संबंधित है। बीएसई का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, इसकी स्थापना जो होती है 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है। एनएसई का प्रमुख प्रवर्तक है आईडीबीआई। एनएसई का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? आईडीबीआई। और एनएसई का मुख्यालय वारली मुंबई में है। एनएसई का मुख्यालय कहाँ पर है? वारली मुंबई में। एनएसई का सूचकांक है निफ्टी। क्या है? एनएसई का सूचकांक कौन सा है? निफ्टी है। बीएसई का कौन सा था? सेंसेक्स। तेजारिया या बुल, मंदारिया को बियर कहते हैं। संबंधित है स्टॉक मार्केट से। तेजारिया, बुल और मंदारिया को बियर कहते हैं। ये संबंधित है शेयर मार्केट से या फिर शेयर बाजार से। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी? 23 होती है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या क्या होती है? 23 होती है। और बीएसई के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978 से 1989 है। क्या है? 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978 से 1979 है। बीएसई 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष 1983 से 1984 है।
एनएसई के 50 शेयरों का सूचकांक निफ्टी है। एनएसई के 50 शेयरों का सूचकांक क्या है? निफ्टी है। नास्डैक शेयर सूचकांक है अमेरिका का। नास्डैक शेयर सूचकांक किसका है? अमेरिका का है। डो जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क का। डो जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क का। फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक है जर्मनी का। क्या है? फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक किसका है? जर्मनी का है। निक्की शेयर सूचकांक जापान का है। निक्की जापान का। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी जो है उसे सेबी कहते हैं। यानी सेबी, सेबी जिसको जानते होंगे आप लोग, ये क्या करता है कि जितने भी शेयर मार्केट हैं उसको क्या करता है, उसका बॉडी कहलाता है सेबी। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। सेबी जो है ये भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है सेबी का। और इसकी स्थापना जो होती है 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है। 12 अप्रैल 1988 को कौन सी समिति? एस ए दबे समिति की अनुशंसा पर। एस ए दबे समिति की अनुशंसा पर सेबी की स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को। सेबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ, वैधानिक दर्जा। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया 1962 में एम्स्टर्डम में। सबसे पहला शेयर बाजार स्थापित किया गया संगठित। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन इंडिया की स्थापना 1965 में होती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में होती है। और भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में झांग पंजाब में हुआ था। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना पंजाब में 1920 में झांग में हुआ था। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य जो है वो दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में होती है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कहाँ पे? इटली में 10 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन घोषित किया गया 2000 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित कब किया गया? 2000 में। और सेज एक्ट को पारित किया गया 2005 में। अब आपका इकोनॉमिक्स का ये लास्ट पेज बचा हुआ है, इसका इकोनॉमिक्स भी फाइनली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला सेज विकसित किया गया कंडाला में। कहाँ पे? कंडाला में पहला सेज को विकसित किया गया। माल्थस सिद्धांत संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है माल्थस सिद्धांत। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। हथकरघा से संबंधित है मीरा सेठ समिति। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है, सत्यम समिति का संबंध। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है, महाजन समिति का संबंध किससे है? चीनी उद्योग से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले से है, चीनी घोटाले से ज्ञान प्रकाश का। सुंदरा राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है, सुंदरा राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से। हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति से है, और दंत समिति का संबंध भी औद्योगिक लाइसेंस से है। तो हजारी का औद्योगिक नीति हो जाएगा और दंत का हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस। मृधा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से, मृधा संबंधित है किससे? सहकारिता आंदोलन से। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है। सिडबी की स्थापना कब होती है? 2 अप्रैल 1990 को होती है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, सिडबी का स्थापना हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। अगला है आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है वो सिडबी से है, सिडबी की स्थापना आबिद हुसैन समिति से होती है लघु उद्योग क्षेत्र से। नेक्स्ट है मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मालेगाम समिति का गठन जो है वो प्राथमिक पूंजी व्यापार से है, प्राथमिक पूंजी व्यापार संबंधित है मालेगाम समिति का। उसके बाद है पहला राजवित्त निगम स्थापित किया गया 1953 में पंजाब में, पहला राजवित्त निगम स्थापित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ISI मार्क 1955 से भारत में प्रभावी है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, कौन सी मार्क है? ISI मार्क। उसके बाद है भारतीय मानक ब्यूरो BIS अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1987 को, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। BIS भारतीय मानक ब्यूरो 1 अप्रैल 1987 को इसका स्थापना, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। हॉलमार्क, हॉलमार्क क्या है? जब हम लोग गोल्ड खरीदते हैं तो देखते हैं कि हॉलमार्क है या नहीं। ये सोना से संबंधित है, स्वर्ण आभूषण से संबंधित है हॉलमार्क।
हॉलमार्क व्यवस्था लागू हुआ था 2002 से, कब? 2002 से सोना पर, और 2005 से चांदी पर। तो 2002 में सोना पर और 2005 में चांदी पर। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित हुआ था 1970 में, पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था। जैसे जीआई टैग होता है ना, उसी तरह से पेटेंट होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी हुआ था 15 सितंबर 2003 से, ट्रेडमार्क पारित हुआ था 15 सितंबर 2003 से। इको मार्क संबंधित है पर्यावरण से, इको मार्क संबंधित है पर्यावरण से। कृषि वस्तु की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एक मार्क, जो वर्ष 1986 से प्रभावी हुआ। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित कौन करता है? एक मार्क, जो कब से प्रभावित हुआ? 1986 से प्रभावी हुआ। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ पे है? नागपुर में है। शीतल पे, शौच आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह FPO है। शीतल पे और शौच आदि के प्रमाणन, जो मतलब उसका प्रयुक्त चिन्ह FPO है। श्वेत वस्तु के अंतर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन, यानी बिजली की सभी वस्तुएं श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है क्रिसिल। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल का फुल फॉर्म है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ किया गया 1952 में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? हैदराबाद में, और इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में होती है। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया था? तो ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले 1973 में महसूस किया गया था। सेल की स्थापना 1974 में होता है, सेल की स्थापना। सफ़ेद सोना कहा जाता है, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। हरा सोना चाय को कहते हैं, और स्वर्ण द्रव पेट्रोलियम को कहते हैं। तो हरा सोना चाय को, सफ़ेद सोना कपास को, स्वर्ण द्रव पेट्रोलियम को। स्पेशल 301 और सुपर 301 क्या है? तो स्पेशल 301 अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियाँ हैं ये, जो आप देख रहे हैं, सुपर 301। अब आते हैं, इधर देखते हैं, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है? तो किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहलाता है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है, सबसे अधिकतम। और गैट की स्थापना 1948 में होती है। गैट की स्थापना कब? 1948 में। और गैट के स्थान पे अब क्या आ गया? WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है अब गैट के स्थान पे आ गया, और इसका जो स्थापना है 1 जनवरी 1955 को होता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा। कहाँ पर? जिनेवा में। WTO के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे, जो WTO के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की सदस्य की जो संख्या है वो 164 है। WTO के सदस्य की संख्या 164 है, और 164वां नवीनतम देश जो है वो अफगानिस्तान बना है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में होती है, विश्व बैंक की स्थापना। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का अन्य नाम पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। पुनर्निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास वर्ष है, सॉरी, विकास बैंक है। उसके बाद है विकास बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों, जो है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में होता है, IMF की स्थापना। और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रहरी कहा जाता है IMF को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रहरी IMF को कहा जाता है। और IMF जो है यह ब्रिटेन बुट सम्मेलन की देन है। IMF ब्रिटेन बुट सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? तो IMF जो है ये केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, जो इसके सदस्य देश हैं। और किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो 1911 से 1921 के बीच जो है, 1911 से 1921 ये में जनसंख्या वृद्धि दर जो क्या थी वो
जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। अगला प्रश्न है कि जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति हजार पर, प्रति हजार पर जन्म दर को व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ था, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। भुगतान संतुलन में निहित क्या होता है? दृश्य, अदृश्य व्यापार एवं ऋण जो है ये भुगतान संतुलन में निहित होता है। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम पारित किया गया 1973 में और विदेशी निवेश एवं व्यापार को सुगम बनाने हेतु विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को पारित किया गया था। अगला है फेरा की जगह फेमा जो है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम लागू किया गया 1999 में, फेरा की जगह पे फेमा। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है, इंडिया इज फॉर सेल। मोहनधारिया समिति का संबंध वाटरशेड विकास से है, मोहनधारिया समिति का संबंध। ईश्वरन समिति का संबंध वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से है, ईश्वरन समिति का संबंध। डिविडेंट क्या है? डिविडेंट जो है वो कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश को डिविडेंट कहते हैं। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक की रचना हिंग्स की है, वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? हिंग्स की। पेपर गोल्ड कहलाता है SDR, SDR को पेपर गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना जो है वर्ष 1996 में हुआ, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना वर्ष 1996 में हुआ। आशा योजना संबंधित है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से आशा योजना का संबंध है। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? तो राजकोषीय घाटा जो है ये तीनों में सबसे बड़ा है। अगला है सम्मानित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सम्मानित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 1978 से 1979 में प्रारंभ किया गया। अगला है नई आर्थिक नीति की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई नई आर्थिक नीति की शुरुआत। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा 24 जुलाई 1991 को नरसिंह राव के द्वारा की गई। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा 24 जुलाई 1991 को नरसिंह राव के द्वारा की गई। अगला प्रश्न बनता है NGO का आशा है, NGO का आशा ही है गैर सरकारी संगठन। NGO क्या है? गैर सरकारी संगठन है। सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है महारत्न नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों को। सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है महारत्न नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों को। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या अब 11 नहीं 12 हो गई है, ठीक है, हाल ही में एक दो दिन पहले की न्यूज़ है इसलिए आप लोग अब 12 याद रखिएगा, ठीक है 12। तो देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो चुकी है और नवरत्न कंपनियां 13 हैं। नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष में के केंद्रीय बजट में पेश की गई? तो नवरत्न की अवधारणा जो है वर्ष 1997 से 98 में पेश की गई। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा, कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया 21 दिसंबर 2009 को, महारत्न दर्जे का सृजन का निर्णय लिया गया। मिनी रत्न योजना शुभारंभ होता है 1977 से, मिनी रत्न योजना का शुभारंभ होता है। और भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग से, कोर सेक्टर का तात्पर्य है। और कोर सेक्टर के 8 आधारभूत उद्योग हैं इस्पात सीमेंट उर्वरक खनिज तेल कोयला प्राकृतिक गैस रिफाइनरी उत्पादक एवं विद्युत, ये जो है 8 आधारभूत है कोर सेक्टर के। NTPC की स्थापना 1975 में होती है, NTPC की स्थापना। अगला है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जिसको ONGC कहते हैं, इसकी स्थापना 1956 में होती है। कब? 1956 में ONGC की स्थापना होती है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है किससे? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधित से। अगला है आपका TDS, TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS का फुल फॉर्म है।
ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई का फुल फॉर्म है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी का फुल फॉर्म है। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर केवाईसी का फुल फॉर्म है। ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज ईसीएस का फुल फॉर्म है। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का फुल फॉर्म है। क्राई का फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई का फुल फॉर्म है। सीवीएस का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीआई का सीवीएस का फुल फॉर्म है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। नवार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नवार्ड का फुल फॉर्म है। अगला है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है, एनएसओ। और एशिया विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना 1966 में होती है और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। भुगतान संतुलन जिसको बीओपी कहते हैं यह पद संदर्भित करता है आयात निर्यात के मध्य के अंतर को, बीओपी संदर्भित करता है। दोस्तों तो आपका ये इकोनॉमिक्स का जो सीरीज था वो इसमें समाप्त हो जाता है। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर पे, इसे हम देखेंगे। प्लीज़ आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं थोड़ा बहुत हमसे मिस्टेक हो जा रहा होगा तो प्लीज़ आप सभी से हम सॉरी चाहते हैं, तो आप सभी मुझे माफ़ कर दे। कोशिश हम हमेशा करते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधार करें और आप सभी के लिए, आप सभी के बात को समझे। आपने जो मुझे गलती बताया है मैं उससे कुछ सीखूँ, लेकिन अगर मैं भी इंसान हूँ गलतियाँ हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा सा सपोर्ट करें। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कौन सी मशीन? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसको कहा गया है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है और ये एक गणितज्ञ थे, चार्ल्स बेबेज। इन्हें आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है अबेकस। अबेकस नामक एक यंत्र का आविष्कार चीनियों ने किया था। किसने? अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार चीनियों ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया था। पास्कल जो फ्रांसीसी थे उनके द्वारा कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था। जेपी एकर्ट ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिक। कौन था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक था। और आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किया गया था। विलियम सी लाइथ के द्वारा आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था 1933 में। एनालिटिकल इंजन जो है उसका आविष्कार कब हुआ था? 1933 में हुआ था। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। किसमें? मेमोरी में। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित है सीपीयू में। कंप्यूटर का मेमोरी किसको कहा जाता है? सीपीयू का कहा जाता है। और सीपीयू का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। मेमोरी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार के होता है। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्सर बोलते हैं। जो ऐसे ऐसे आपका इंडिकेट करता रहता है छोटा सा लाइन एक जगह, इसे आप उठा के कहीं से भी कहीं ले जाते हैं उसको कर्सर बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी चार प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी चार प्रकार के होते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एसेस मेमोरी जो है ये रैम का फुल फॉर्म है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। अगला है कीबोर्ड। कीबोर्ड में बटन की संख्या 101 होती है और कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी पटल है। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कुंजी पटल। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शटडाउन कहलाती है। और कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूट अप कहलाती है। बूट अप करते कंप्यूटर ऑन हो जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन मेमोरी जिसको बोलते हैं सीपीयू को। मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है। क्या? मॉनिटर को वीडीयू कहा जाता है। अगला प्रश्न है फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। फोटन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेन फ्रेम हेतु। फोटन का सबसे प्रयोग कब हुआ था? तो मेन फ्रेम हेतु। MCIR शाब्दिक अर्थ है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकोनाइजेशन।
MCIR का शाब्दिक अर्थ है क्या? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकोनाइजेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए विधि कहलाती है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल दिया जाता है, उसको डिजिटलाइजेशन कहते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है जिसे भारत में निर्मित किया गया था। और नेक्स्ट है आपका आपका ASCII एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 bytes के। ASCII एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 bytes के। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है 0 और 1। मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1 होता है। 1 kilowatt बराबर होता है 1024 watts के बराबर। 1 kilowatt बराबर 1024 watts। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था, पहला डिजिटल कंप्यूटर। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। नॉर्टन वायरस एक प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर को डंप होने का कारण भी वायरस ही होता है। कंप्यूटर जब डंप होता है किसके कारण? वायरस के कारण। आईसी चिप जो होता है वो सिलिकन का बना होता है, आईसी चिप। WW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये सभी लोग जानते होंगे, बहुत आसान सा चीज़ है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 से 90 में हुआ था। WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 से 90 में हुआ था। भारत की सिलिकन वैली स्थित है बेंगलोर में। भारत की सिलिकन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। वर्ल्ड वाइड वेब है इंटरनेट सर्विस। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट सर्विस है। जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार किया था 1614 में। जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार 1614 में किया था। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म है, रोम का फुल फॉर्म लगा दीजिएगा और सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। फ्लॉपी का साइज 3.25 मिनट से 5.25 मिनट होता है, फ्लॉपी का साइज। हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। सीपीयू में मेन मेमोरी की गति को एक समान करने के लिए छांछे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। किसका? छांछे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है सीपीयू में मेन मेमोरी की गति को समान रखने के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया लॉग आउट कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया लॉग आउट कहलाती है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति मापा जाता है मेगाहर्ट्ज़ से। कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग गति होता है उसको मेगाहर्ट्ज़ से मापते हैं। WAN का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क WAN का फुल फॉर्म है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परमपदम है। परमपदम जो है भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। परमपद कंप्यूटर से संबंधित है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर परम 1000 है। परम 1000 जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का जो मशीनरी हार्डवेयर कंप्यूटर का जो मशीनरी उपकरण है उसे हार्डवेयर कहते हैं। लैन प्रयुक्त होता है अस्थाई क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, लैन प्रयुक्त होता है। डॉस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली, डॉस का रूप होता है। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स में। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स में। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लेन। क्या? बैकअप प्लेन डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है। वायरस होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। वायरस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। उसके बाद है एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉस। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉस होता है। फैट का अर्थ फाइल एलोकेशन टेबल होता है, फैट का फुल फॉर्म। क्या? फाइल एलोकेशन टेबल। अगला है वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या कितनी होती है? तो वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम की संख्या 1024 और रो की संख्या 1025 होती है। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई जो होती है वो लाइन प्रति मीटर होती है। नॉट गेट पूर्ण करता है इनपुट को। नॉट गेट का फुल फॉर्म क्या? इनपुट को पूर्ण करता है। और मैन का पूर्ण रूप है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीनेशनल नेटवर्क एरिया नेटवर्क।
इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। पावर पॉइंट का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। पावर पॉइंट का निर्माण किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। कंप्यूटर अशुद्धि बग कहलाता है। बग कहलाता है, कंप्यूटर की जो अशुद्धि होता है उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मशीनी भाषा में रूपांतरण है। सोर्स प्रोग्राम क्या है? ये जो है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मशीनी भाषा का रूपांतरण है, सोर्स प्रोग्राम। हार्ड डिस्क की स्पीड 3600 चक्र प्रति मिनट होती है, हार्ड डिस्क की स्पीड। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल है, HTTP का फुल फॉर्म। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कशॉप लैंग्वेज, ये जो है HTML का फुल फॉर्म है। फ्लॉपी डिस्क का घूर्णन गति होता है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट, फ्लॉपी डिस्क का घूर्णन गति होता है। कोबोल भाषा का उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जाता है, कोबोल भाषा का उपयोग। अगला है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप। जो कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहते हैं? उसको डेस्कटॉप कहते हैं। उसके बाद बात करें जॉयस्टिक का प्रयोग होता है गेम के लिए। जॉयस्टिक का प्रयोग किसमें होता है? कंप्यूटर गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में। और पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पीसी का अर्थ होता है। कंप्यूटर का डाटा, कंप्यूटर का डाटा का अर्थ है इन्फॉर्मेशन। जब हम कहते हैं डाटा स्टोरेज मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबाकस। क्या था? एबाकस जो था सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब क्या कौन से डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस हैं, जो ऑलरेडी क्या है? इनपुट डिवाइस है। IBM का फुल फॉर्म क्या है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म है। हार्ड डिस्क की गति रैम से मापी जाती है, हार्ड डिस्क की गति RPM से। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्टान था, पहला कंप्यूटर लैंग्वेज। कंपाइलर का प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द्विआधारी अंकन पद्धति के दो अंक हैं 0 और 1, यानी बाइनरी के 0 और 1 हैं। डॉस और विंडोज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस और विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 करेक्टर का, फाइल का जो नाम होता है वो अधिकतम 8 करेक्टर का होता है। फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं 3 करेक्टर, फाइल के एक्सटेंशन में 3 करेक्टर होते हैं। लोटस है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लोटस क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। YT समस्या संबंधित है, कंप्यूटर से Y2K समस्या संबंधित है, Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। 1 byte बराबर होता है 8 bits, और कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया था CDAC ने, CDAC ने कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया था। कंप्यूटर की असेंबली भाषा द्विआधारी संख्या है, यानी बाइनरी नंबर है। फ्लॉपी एक मेमोरी डिवाइस है, फ्लॉपी क्या है? एक मेमोरी डिवाइस। उसके बाद 3.25 मिनट के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB। अब आगे देखते हैं, फाइनली आज कंप्यूटर को इसमें हम समाप्त करेंगे। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? DGX-2 जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, DGX-2। और विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, एड्स डे। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किया था JS किल्वी ने, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किया था JS किल्वी ने। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। WW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक टीम बर्नर्स ली थे, टीम बर्नर्स ली। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन है? बिट है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, क्या कहलाता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो रूप होता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर Cray-K-1S है, Cray-K-1S जो है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। याहू, गूगल और MSN इंटरनेट सर्च इंजन है, ये तीनों क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन है।
इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हो चुकी थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई, तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों को विकसित किया जा चुका है। अगला है, 1 मेगाबाइट बराबर होता है 224 KB केबी के, केबी मतलब किलोबाइट का, और 1 GB गीगाबाइट बराबर होता है 224 मेगावाट के। MICR का पूर्ण रूप क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बना होता है सिलिकॉन का, और कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची जो इस तरीके से बनी होती है उसको क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का फुल फॉर्म, और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर राज रेड्डी। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है, जो देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम है बेबी डॉल, जो कि कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कसापरोव को पराजित किया था डीप ब्लू कंप्यूटर ने, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कसापरोव को पराजित किया था। PC का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। माउस का आविष्कार किसने किया था, तो माउस का आविष्कार डगलस सी इंजेलवर्ट ने किया था। डगलस सी इंजेलवर्ट माउस का आविष्कार कारक हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के माध्यम से दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया ईमेल कहलाती है। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता है वो फ्रीवेयर कहलाता है, जिसपे कोई कॉपीराइट नहीं है उसको फ्रीवेयर कहते हैं। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों को निर्धारित सेट कहलाता है एल्गोरिथम्स, क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। www.google.com उदाहरण है वेबसाइट का, इस तरीके से वेबसाइट का उदाहरण होता है। जाबा, कोबोल, ओराकेल और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर का, क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। DBMS का विस्तार रूप है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का फुल फॉर्म है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसका फुल फॉर्म है LED का। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है एक्सेल से। ट्रैकबॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का, ट्रैकबॉल एग्जांपल है। BIT बाइनरी डिजिट होता है। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है इन्फॉर्मेशन में। रैम उदाहरण है वोलेटाइल मेमोरी का, रैम उदाहरण है। और वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है, तो वेबसाइट को जो है URL आइडेंटिफाई करता है, URL। अगला प्रश्न है कि माउस, प्रिंटर, स्कैनर एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का, किसका, इनपुट डिवाइस का। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस में, वेबसाइट कलेक्शन होता है। और डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है बाइनरी नंबर सिस्टम का, जो डाटा स्टोर करने के लिए परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म है। नेटवर्क का वृद्ध नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट, नेटवर्क का वृद्ध नेटवर्क इंटरनेट कहलाता, नेटवर्क का इंटरनेट कहलाता है। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है मेल बॉक्स, क्या कहलाता है, मेल बॉक्स। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाता है। पिक्चर, साउंड, वीडियो से बनी आउटपुट कहलाता है मल्टीमीडिया। वर्कबुक एक कलेक्शन है वर्कशीटों का, वर्कबुक किसकी कलेक्शन है, वर्कशीट का। और ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है 128 विभिन्न कैरेक्टर को, ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है।
फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है, फोल्डरों में स्टोर करके फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल की लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। और ASCII का पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर किस्म का लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है। पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है सेव एज। और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। और कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया ई कॉमर्स कहलाती है, जैसे अमेजोन वगैरह हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, वो ई कॉमर्स कंपनियाँ कहलाती है। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। वेब पेज का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। जब हम लोग जब मान लीजिए कि गूगल हमने खोला यहाँ से, ठीक है, जैसे ये खुला, ये क्या कहलाता है? यहाँ से खोले गूगल को, आप यहाँ पे कुछ सर्च करेंगे तो ये वेब पेज कहलाती है। वेब पेज का प्रथम पेज होम पेज होता है। और विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों का साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI, MIDI। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग। बिजनेस डाटा को रोज और कलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म सेपरेट शीट कहलाता है। बिजनेस डाटा को रोज और कलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म स्प्रेडशीट कहलाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है विलंकर, विलंकर जो है टेस्ट में आपकी पोजीशन को दिखलाता है। और WWW का आविष्कार हुआ था 1989-90 में, WWW का आविष्कार हुआ था। नॉर्टन है एक एंटीवायरस, नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस है। और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि डिजिटलाइजेशन कहलाती है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शटडाउन, ये सब ऑलरेडी हो चुका है, रिपीट हो रहा है। किसी शब्द की लंबाई को हम लोग बिट में मापते हैं, किसी शब्द की लंबाई को, ये इम्पोर्टेंट है। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD का फुल फॉर्म है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग हुआ था। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत का पहला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने कि अपना वेबसाइट बनाया था। फैट का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल, फैट का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 12 अगस्त 1981 को, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था IBM कंपनी ने। और फाइल होता है रिकॉर्डर्स का संग्रह, फाइल होता है। लोटस 1-2-3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। रिकॉर्ड्स होता है आंकड़ों का संग्रह, कोई भी आंकड़ा को संग्रह करना रिकॉर्ड्स कहलाता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है, जो सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। कंप्यूटर की भौतिकी बनावट हार्डवेयर कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिकी बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य सिक्किम है। इसने क्या किया कि पहली बार इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया। Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश जाम्बिया है, जो Y2K समस्या से प्रभावित है। अगला है भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सीब्रेन है। Y2K पूर्ण रूप है ईयर 2000। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका की बोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, वो है तमिल। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड अपनी भाषा में उपलब्ध है, वो है तमिल। दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आएगा ना, अब आपका एक वीडियो इसका हम और लेके आएंगे, जो आपका वो भी 2-3 घंटे का ही लगभग बन जाए,
देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मिसक्लेनियस का होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद इस वीडियो के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आएगा, फाइनली ये बुक आपका समाप्त हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले कि वीडियो कंप्लीट करवा दे, बुक को कंप्लीट करवा दे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करके आएँ। और एग्ज़ाम दे के आने के बाद कृपया जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, कमेंट ज़रूर करें कि आपका इस बुक से कितना क्वेश्चन आया। प्लीज़ हम आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार ज़रूर इसे क्वेश्चन बताएँ कि कितना क्वेश्चन इससे जो है आपने बनाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो जिन लोगों को इसका PDF चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ के आप अपना PDF भी इसका ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।